इस लोग मिट्टी में मिल गए। बाप भी मर गया, भाई भी मर गया। लगता है गांव में महामारी आ गई। आखिर इतने लोग क्यों मर रहे हैं? इसमें हमारी क्या गलती है? पूरा गांव शमशान में बदल जाएगा। कुछ भी नहीं कर सकते क्या? दवाई नहीं है क्या? विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिकालकालाय कालिरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सर्वेश्वराय सर्वेश्वराय। कुल मिलाकर 534 सिद्धा कामयाब इतने ही जीवित हैं। विश्वेश्वराय नवग्रह 12 राशियां 27वें नक्षत्र में जन्मा एक मनुष्य 48 दिनों में इधर आएगा। जा उत्तर दिशा में उसे खोज। हवा दिशा दिखा रही है, ये भूमि तेरी रक्षा करेगी। सीधा तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा। जा जा जल्दी जा जा। किसे ढूंढ? उस मनुष्य का मुखमंडल बहुत ही तेजस्व होगा, उसके प्रकाशमय चक्षु अग्नि के समान होंगे। तूफान तूफान की तरह वो दौड़ेगा। लेकिन कैसे ढूंढूंगा? तुझे स्वयं उसकी आवाज सुनाई देगी। पंचभूत ऊंचे स्वर में चिल्लाएंगे। इस भूमि पर वर्षा उसका स्वागत करेगी। यहाँ की मिट्टी रुद्र तांडव करेगी। उसकी हल्की सी आवाज भी चारों ओर गूंजेगी। जिसे तुम देखना चाहते हो वो स्वयं तुम्हारे सामने आएगा। जिसे तुम देखना चाहते हो उसका आकाश अभिषेक करेगा। जिसकी कन उंगली पर अग्नि तांडव करेगी। जिसके छूने से तुम्हारे माथे पर रक्त तिलक बनेगा। जिसे देखकर मौत भी कांपती है। जिसके छूने से तुम्हारी शक्ति बढ़ जाए। जिसे देखकर नन्हे बच्चे भी मुस्कुराने लग जाएं। जिसके छूने से कुटिया भी महल बन जाए। उसे लेकर आजा सिद्धा, उसे लेकर आजा। सिद्धा संभाल कर, उसकी आंखों से आंखें मत मिलाना। कले की आवाज से नहीं मन की आवाज से बुलाना। अगर वो आ गया तो ये गांव बच जाएगा। तुझे कुछ नहीं होगा, जा बुला के ले गया जा। नमः शिवाय। स्वामी जी, रुद्र कवच ये क्या है? 48 दिनों में सिद्धा के द्वारा इस गांव को बचाना है। सर्वेश्वराय सदाशिवाय।
स्टॉप स्टॉप, रोको रोको रोको, अरे रोको ना भाया। ये जगह देखकर तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत गर्मी लग रही है। तुम्हें तो लगेगी, कुछ नया सोचा करो यार। मुझे ये जगह बहुत पसंद आ गई, यहीं पे डेरा डालने का मन करता है। जी जी, ये तो बैड है। बैड है तो कोई बात नहीं, जो भी ये प्रोग्राम देखेगा ना मैड 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 हो जाएगा। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो सर? और नहीं तो क्या भाया, राजस्थान पर डॉक्यूमेंट्री बनाने कहो तो ऊंट ऊंटनी पत्थर ये सभी तो दिखाते सब लोग। हमें तो ये पूरे राजस्थान को ही लपेट लेना चाहिए। कैसे? उसका भी एक तरीका है, बताता हूँ। हवा का आनंद लो, पेड़ पौधों को पकड़ के देखो। इस रेगिस्तान को मुट्ठी में कर लेंगे, मुट्ठी में कर लेंगे। अपन जमीन फाड़ के ऊपर आ गया? अरे आप मुझसे क्या पूछते हो, मेरी समझ में भी नहीं आया, मुझे लगा कि हार्ट फेल हो गया। रात को सोते वक्त जमीन के ऊपर ही सोया था। यानी कि जमीन ही तुम्हारे ऊपर आ गई? सोचा था आकर राजस्थान घूमूंगा, पर सोने के बाद अपन को ऐसा लगा कि यहाँ की जमीन ही घूम रही है। अरे 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 अरे, आखिर ये सब है क्या भाया? धूल है भाई, झाड़ेंगे तो चली जाएगी। छींको मत बाबूलाल, मर जाएगा। मेरा नाम बाबूलाल है, ये तुम्हें कैसे मालूम? तुम्हारे आई कार्ड से पता लगा लिया, हैरान क्यों हो रहे भाई? मुंबई का है क्या? हाँ भैया, मैं राजस्थान के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आया हूँ यहाँ। वो क्या है कि भैया, राजस्थान की आबो हवा बहुत पसंद है मुझे, इसलिए। अरे रे 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 रे। मैं डायरेक्टर हूँ जी, और ये मेरे असिस्टेंट। हाँ, ये कहाँ गायब हो गए? जब मैं चिल्लाया तो भाग गए क्या? डरपोक असिस्टेंट डायरेक्टर कभी नहीं बन सकता। हाँ? बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले सामान लेके आओ। हाँ, अभी लाता हूँ। बाबूलाल, अपन कुछ पूछे तो बुरा नहीं मानेगा ना? रेगिस्तान में डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के लिए आए हो या फिर हीरोइनों के साथ रंग रलिया मनाने के लिए? अरे भैया, लड़कों से मेरे को संबंध ही नहीं होता। वैसे लड़कों से ही मेरा कोई संबंध नहीं है। कहीं वो तो नहीं? हाँ? सर, वैसे आप किस काम से आए हैं? अपुन ना? हाँ। खिली हुई धूप में कपड़े सुखाने के लिए। हाँ? एक सवाल का भी सीधा जवाब नहीं दे रहे। तू बोलेगा तो अपन सीधा जवाब देगा क्या? हरदोई के राजू को जानते हो? मुझे बहुत पसंद है, दादा का चहेता है वो, अपन का नाम वही है। तुम ही हो हरदोई के राजू? हाँ, लंबा नाम था इसलिए शॉर्ट में राजू रख लिया। नाम कैसा है? हाँ, सुनने में अच्छा लगता है और बोलने में भी। ओ, सर, बट इज योर फादर? अपन के माँ बाप नहीं है, बस दादा ही सब कुछ है। वो एक टीचर है, स्कूल में भी पढ़ाते हैं, घर में भी क्लास लेते हैं। सच कहो तो किताबी कीड़े हैं, गिफ्ट भी देंगे तो पेन या पेंसिल ही देंगे। अपन का मन तो साला पढ़ाई से ऊब गया। ये काम वाली बाई है, घर का अखा काम टीवी देखते हुए करती है। और ये खाना बनाने वाली बाई, किताब पढ़ते पढ़ते खाना बनाती है। और ये अपुन के माँ बाप का फोटो है। दादाजी, ये लीजिए प्रोग्रेस रिपोर्ट। वेरी गुड। क्या कहूँ बाबूलाल, अपुन के 100 में 90 लाने पर भी दादाजी के चेहरे पे खुशी नहीं। 100 में केवल 90? यदि यही हाल रहा तो क्या करोगे बड़ा होकर? टैक्सी ड्राइवर की नौकरी मिली है दादाजी, आपको डायबिटीज है इसलिए मिठाई नहीं लाया। कोई बात नहीं बेटे, तुम तो अपने पैरों पे खड़े हो गए ना। शादी के 10 महीने बाद लड़का हुआ, 6 महीने से मैं तीर्थ यात्रा में था और मेरी पत्नी को यहाँ लड़का हुआ, उसे डॉक्टर बनाना है। वैसे हम दोनों मियां बीवी के पुराने रिकॉर्ड देखेंगे तो वो कभी डॉक्टर नहीं बनने वाला। डोनेशन देने पड़ेंगे, उसके लिए पैसों की जरूरत है। और फिर पैसों के अभाव में अगर हमने उसे डॉक्टर नहीं बनाया तो बड़ा होकर तेरे जैसा ड्राइवर बनेगा। इसलिए ये ट्रेवल्स खोल कर रखा हूँ। वो रही कार और ये रही चाबी, ये आईडी कार्ड रख लो। ऑल द बेस्ट। ये कार छोटी है, बड़ी नहीं है क्या? मेरे फ्रेंड का एक ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, वहां भेजू क्या? मजाक अच्छा कर लेते हैं आप। हाँ। आपसे कुछ पूछना है अपुन को, बुरा तो नहीं मानेंगे? टोल बेझिझक बोलो ना। बुरा नहीं मानने का? बुरा नहीं मानूंगा। 6 महीने से आप तीर्थ यात्रा पर थे तो आपकी बीवी प्रेग्नेंट कैसे हो गई? टैक्सी ड्राइवर जैसा बिंदास काम और कुछ नहीं है, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है ना किसी से ऑर्डर लेने की। ए, राइट नहीं, लेफ्ट ले जाओ। खोटी आवाज बंद कर साले। लेफ्ट सर। ए भाई, बैलगाड़ी चला रहे हो क्या? तेज चला वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। सर्टेनली सर। We'll be right back.
अगर एक और राउंड गया ना तो तेरी किडनी या लिवर निकल के बाहर आ जाएगा। 300 सर, 300 रुपए सर। ओ बापू क्या ये तेरे बाप की सड़क है, जितना है तेरा इस पे मेरा भी हक है, गलती से तूने शेर को है ललकारा। एक घोचू आता है मुझे भी देना गाली, मुझको सलाम करे गुंडे मवाली, अरे राजा बजा दूंगा मैं तेरा बैंड बाजा। पहले तो गाड़ी तेरी बनेगी खटारा, देखेगी सारी पब्लिक तेरा ये नजारा, चला ना सकेगा तू फिर कभी गाड़ी, ऐसी हालत आज तेरी गाड़ी की बना दूंगा। बहुत बुरा होगा बहुत बुरा, जा होगा अंजाम आज तेरा बहुत बुरा, मैं किसी के भी हाथ नहीं ऐसे अब आने वाला। चलो मैं टैक्सी सड़कों पे टैक्सी, चलाओ मैं टैक्सी सड़कों पे टैक्सी, डारा 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 डारा। दुनिया में कोई मुझसे बढ़ के है, न मेरी टैक्सी से कोई गाड़ी बढ़ के है। आंधी तूफान के रुख मैंने है मोड़े, टैक्सी मेरी एरोप्लेन से भी तेज दौड़े। डर के न किसी से कभी तो मैं रहूंगा, सर उठा के मैं यू जीऊंगा, जीतूंगा मैं बाजी सारी हर दाव खेलूंगा। तेरे जैसे देखे मैंने बड़े बड़े, है तुम जिसमें मुझसे लड़े, भूले ना कभी वो ऐसी मारू से मैं मारूंगा। चलो मैं टैक्सी सड़कों पे टैक्सी, न मेरी टैक्सी को कोई रोकने वाला। चलो मैं टैक्सी सड़कों पे टैक्सी, न मेरी टैक्सी को कोई रोकने वाला। ना कभी कहीं मुझे कोई टोक सका, ना राहों को मेरी कोई रोक सका। कभी मुझसे ना कोई भी जीत सका, ना मेरा जवाब कोई दे सका। जब भी घुमाता हूँ मैं स्टीयरिंग, आजू बाजू दौड़े सब में डर की फीलिंग, कोई ना टकराना मुझसे ना भंगा लेना, ना ना ना। मुझे देख लो ये जान लो, मैं अपनी मंजिल को पालूंगा, ये वादा है आकाश को, मैं हाथों से अपने एक दिन छू लूंगा। चलो मैं टैक्सी सड़कों पे टैक्सी, न कभी कोई मुझे ठोक सका। चलो मैं टैक्सी सड़कों पे टैक्सी, न कोई राह मेरी रोक सका। भाया वैसे आप राजस्थान क्यों हैं बताया नहीं आपने? खाली पीली कौन आता है, अपन को चर्बी चढ़ी है क्या? आफत के पंजे में फंस गया हूं मेरे भाई, उस आफत का नाम सुमिता है, हाइट 5 फुट 10 इंच। 5 फुट 10 इंच? हाँ भाई, खंबे जैसी है वो, वैसे दिखने में अच्छी है पर मीठी चूरी है। अरे उसने अपुन की जिंदगी में बड़ा खास रोल किया है, बस 4 बार उससे मिल चुका हूँ, फिर क्या सावन में पतझड़ आ गया। मीटिंग नंबर 1 एक कॉलेज के कैंपस में हुई थी। कौन सा कॉलेज? कॉलेज को मारो गोली यार, हमें कौन सा एडमिशन लेना है। जब पहली बार उससे मुलाकात की तब अजीब सा जलजला आ गया, अजीब वो गरीब लोग घूम रहे थे और ऊपर से फोन कॉल आ रहे थे। हेलो, वेलकम टू एस्ट्रोवर्ल्ड, आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरा वो एक मिनट भाई, केरला वाले भाई आप आगे चलो नहीं तो लोग सोचेंगे हम एक साथ हैं। ओ शरी शरी न्या मुन्ने नड़का, ओके 9th अक्टूबर है। 9th अक्टूबर, आज आपकी मुलाकात एक ब्लू ड्रेस वाले से होगी और उनकी वजह से आपकी जिंदगी एकदम से बदल जाएगी। हाँ हाँ,
बड़ी आई। टैक्सी चाहिए क्या? सामान को कार तक पहुंचा दो। नो नो नो, आई गो मायसेल्फ। कॉफी? नो थैंक्स। के लीजिए। टी? नो थैंक यू। थम्स अप? चने मन, बैठ के बातें करेंगे। सर क्या लाऊं? कुछ भी ले आओ भाई। जी सर। ये भी कोई जीना है? कोई हंसी नहीं, कोई खुशी नहीं, एकदम फ्लैट बोल के जा रही है। ए भाई तू बजाना बंद कर यार, प्लीज प्लीज, तेरा हाथ जोड़ता हूँ। ओके। आई एम सॉरी। कैसी बात करती हो, कैसे ड्राइविंग करती हो, वो देखो मेरी कार डैमेज हो गई। तुम देख के चला नहीं सकती, तुम्हें लाइसेंस किसने दिया? अरे क्या हुआ भाई, क्यों बूम मारे? कार का सत्यानाश कर दिया। आपने टक्कर मारी क्या? नहीं जी, जस्ट रिवर्स ले रही थी। संभाल के करना था ना। नहीं मैं तो धीरे से। जोर का झटका, लेकिन धीरे से तो लगा। धीरे से झटका लगा तो ये हालत हो गई कार की मेरी, अगर जोर से लगता तो। लड़की है, मर्दांगी मत दिखाना, समझे? उन्हें कॉम्पेंसेशन दे दूंगी मैं। मेरी जान पगला गई हो क्या? कॉम्पेंसेशन के बहाने लाखों एंट लेगा अपन, है ना? अपन देख लेगा, ठीक है? ओके भाई, जानबूझकर करती तो अंदर करवाते। हाँ। अनजाने में हुआ है, 100 या 150 लेकर निकल लो। 100-150 500। ये लड़की अपन की जान पहचान की है, एक 500 रख लो। भाई मेरे ये कार है। मैंने कब कहा हाथी है, 500 में खत्म करो। मेरे लिए तो ठीक है, पर टैक्सी का क्या होगा? टैक्सी? वही जो रेलवे स्टेशन में ब्लैक एंड येलो कॉम्बिनेशन की होती है, वही ना? नहीं वो वाली नहीं, ऑरेंज कैप की सफेद वाली गाड़ी। अरे सीने के टांके टूट गए। साइड में ब्लू में लिखा है क्या? ब्लू से लिखा है, लेकिन तुम क्यों रो रहे हो? टैक्सी मेरी है भाई। आई टैक्सी तुम्हारी? बाप रे, मैं तो बर्बाद हो गया। जान तो बोली थी कि धीरे से दबाया। आई एम सॉरी। बाप रे, ये तो वही ब्लू है। तेरी माँ की आंख भविष्यवाणी करती है। हेलो, वेलकम टू एस्ट्रो वर्ल्ड। हाँ, आमतौर पे वहाँ भविष्यवाणी कौन करते हैं? ज्योतिष अनिल अवस्थी जी। ज्योतिष अनिल अवस्थी जी? हाँ हाँ। अभी वो कहाँ मिलेंगे? बांद्रा में किसी से भी पूछ लीजिए, बता देंगे। काफी मशहूर है ना? जी हाँ। देखिए मैं उनकी भविष्यवाणी करूँ? कीजिए ना। शाम को सफेद ड्रेस में एक आदमी उनसे मिलने वाला है। हाय। और उसके बाद अनिल अवस्थी जी एक ही टांग पर चला करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी दूसरी टांग मैं तोड़ने वाला हूँ। बड़ा भविष्यवत्ता। मीटिंग नंबर टू। वो कार खड़ी करने वाली जगह को क्या कहते हैं? पार्किंग प्लेस। हाँ पार्किंग प्लेस, वही। अच्छा अब पहचानेगी नहीं। हेलो, इधर आ। हाय। आजा आजा आजा। आई एम सॉरी, आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट डे। आई रियली डिडंट मीन टू डू दैट। वहाँ पे उस दिन बहुत सारे लोग थे, इसलिए मैं डर के चली गई। एक्चुअली इट्स माय फर्स्ट एक्सीडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। पहला शीशा, दूसरी लाइट, तीसरा डेंट, 30 गालियां जो मालिक से खाई, कुल मिलाकर 8,950। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मुझे कुछ पता नहीं। कहने से नहीं बचने वाली। वो पैसे मैं दे दूंगी। वैसे कितने हुए? 8,950। राउंड फिगर 10,000 दे दे। 8,950 के लिए राउंड फिगर 9,000 है ना? 10,000 में राउंड ज्यादा होते हैं ना? हाँ। फिर टक्कर, मर गया यार। उतर उतर, तेरी जात का बैदा मारू आज। उतर उतर। काला चश्मा पहन के गाड़ी चलाएगी तो तुझे दिखाई कैसे देगा? मेरा साइड मिरर उड़ गया। अरे 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 अरे, ऐसे क्या घूर रही है? मार डालेगी, मुझ पर गुस्सा है? बहुत खूब, बहुत खूब। टक्कर मारी तूने, घूरा तूने, और तू ही मार डालेगी तो मैं किस काम का? नीचे कर, आंखें नीचे कर, नोच डालोगा वरना नीचे कर। क्या कर रहे मैडम को? फिलहाल कुछ सोचा नहीं है, कुछ आइडिया है तो बता। लड़की को रेप करते हुए देखकर मैं चुप रहूंगा क्या? तमाशे की जरूरत नहीं है अपन को, तो जाके शॉपिंग करना। ओए ज्यादा मर्दानगी मत दिखा,
ये शहर में वो जैसा शेर भी रहता है। कौन से मॉडल में साले? तुझे एक मिनट देता हूं, अगर यहां से निकला नहीं तो जो तू कह रहा था वो कभी नहीं कर पाएगा। अरे ऊपर जो भगवान बैठे है ना, वो तुझे सजा देगा। सजा तूने नहीं दिया। मैं जानता हूं तूने सुन लिया है। जोर से बोलो। अब इससे आगे मैं और नहीं बोलूंगा। साला लड़की देख के शेर, चाकू देखते ही ढेर। उसको भड़का रही थी कि अपन खल्लास तो मामला खत्म। साइड मिरर के लिए अपन ज्यादा रिस्क नहीं लेगा। कितना चाहिए? तू अपन को भाग गई क्योंकि सब लोग मुंह से बात करते हैं लेकिन तू पैसों से। तू ये सोचती है कि नोटों के बलबूते पर अपन को खरीद लेगी तो नोटों की गड्डी निकालना। फिलहाल मेरे पास कैश नहीं है। तो फिर कल देगी क्या? तो कहो ना, कहां मिलू मेरी जान। क्या कहूं मैं यार। तीसरी मीटिंग एक कॉफी शॉप में हुई। वही परिश्ता। परिश्ता नहीं, बरिश्ता। हाँ मालूम है, मालूम है। आमी जेटा बोलती चुपचाप सुन बे, ठीक है? हाय। बाप रे, पैंट पहनना भूल गई क्या? शट अप। अच्छा इतना ही है? कितना बताओ? गणित का क्या हुआ? जरा देख के बताता हूँ। लगता है काफी पैसे हैं इसके पास। सर टू मोका प्लीज। ओके मैम। अरे मोका किस लिए, कॉफी बोल सकती थी ना। वो भी कॉफी है सर। अजीब अजीब नाम देकर बेचते हो तुम लोग। उड़े चल। मैम थैंक यू। शुगर। सुन 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 ओ सुंदरी, लगती है तू रस भरी, आंखों से जादूगरी करके नाचा ओ गोरी। सुन 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 ओ सुंदरी, लगती है तू रस भरी, आंखों से जादूगरी करके नाचा ओ गोरी। मेरी आंखों में हर पल तेरा चेहरा खिलता है। ना 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 ना। सामने तू जब आए तेरा जादू चलता है। घर में ऐसा तो होता ही है। चल चले दूर कहीं, रुको नहीं, चलो चलो सब चलता है। चल चले दूर कहीं, रुको नहीं, चलो चलो सब चलता है। Come on boy boy, give her a chance again. You make her feel like losing number one. Hurting her, blaming her, bringing her down. Come on boy boy, give her a chance again. You make her feel like losing number one. Hurting her, blaming her, bringing her down. क्यों है ये फासला, तू भी है मैं भी हूँ जवान। तू मेरी साथ है, रब्बा का बात है, नाच जमीन आसमान। सारी जब तू देती है मुझको प्रॉब्लम, ये फासला बन जा मेरी जाने मन, बनके मेरे दिल में हो समा। Come along me baby, give me what's all you can. Come along me baby, give me what's all you can. Come along me baby, give me what's all you can. You are my
Darling, my heart is burning. Na jaane kya hoga mera. Yo, cutie boy, don't say that again. Aise behar kaun hai, ho jaye na kahi. Tera mera koi jhagda. Yo, cutie boy, don't say that. Sabhi jab tu deti hai mujhko problem, yeah yeah. Hey you, pasra, ban ja meri jaane man. बनके मेरे दिल में ओ समा Come on, boy, boy, give her a chance again. You make her feel like losing number one. Hurting her, blaming her, bringing her down. Yeah, 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 yeah. Sum, oh, sundari, lagti hai tu ras bhari. Aankhon se jadugari, karke na jao gori. Sum, oh, sundari, lagti hai tu ras bhari. Aankhon se jadugari, karke na jao gori. मेरी आंखों में हर पल तेरा चेहरा खिलता है यार मेरे ऐसा तो होता ही है चल चले दूर कहीं रुको नहीं चलो चलो सब चलता है चल चले दूर कहीं रुको नहीं चलो चलो सब चलता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया चलोगे बैठिए सर आप चलिए मैं हाफ एन आवर में पहुंचती हूं ओके हेलो डॉक्टर परांजय स्पीकिंग डायरेक्टर साहब हैं सर बिल्डिंग इज अंडर रिनोवेशन कहते हैं वहां कोई नहीं है लेकिन आज वर्किंग डे है आप आइए मिस्टर परांजय ओके सर सर जी आप डॉक्टर हैं क्या हाँ कुछ दिनों से थकान महसूस कर रहा हूँ ताकत बढ़ाने के लिए खाने के अलावा कुछ हो तो बताइए ना मैं वो डॉक्टर नहीं हूं तो फिर जियोलॉजी में पीएचडी किया हूं तो ये उपाधि दी है वैसा भी होता है क्या जियोलॉजी यानी अर्थ साइंस जमीन के नीचे वाले मेटल्स और ऊपर के पत्थरों के बारे में बताने वाले साइंस समझ गया ए, बड़े साहब आने वाले ये बोर्ड तो नीचे लेके आओ हाँ जरा धीरे धीरे ओके साहब हाँ साहब करता हूँ साहब संभाल के हाँ एक मिनट धीरे से संभल कर सर जी आपका बटुआ मार डाला सिर्फ सुनते ही तेरी हालत पतली हो गई है तो देखकर अब उनकी हालत क्या हुई होगी कलेजा मुंह को आ गया यार तो फिर दूसरे का क्या हुआ दुख की बात है वो जूनियर अभिषेक बच्चन की तरह था पल में खल्लास सब कुछ बताया लेकिन राजस्थान आने का कारण नहीं बताया आपने गुड न्यूज ये है कि बीमा कंपनी वाले 2 लाख दे रहे हैं बैड न्यूज ये है कि रिपेयर के लिए 3 लाख लग जाएंगे तो फिर 10 लाख तुम्हारी पगार से धीरे धीरे काट लूं क्या पगार ही 6,000 है उसमें से भी काटेंगे तो मैं क्या कहूंगा बड़ी बातें मत करो मैं बोलता हूँ तुम्हारी कार पर गिरने वाला दिलावर सिंह है उसके नाम पर 5 लाख का इंश्योरेंस है वो बंदा राजस्थान का रहने वाला है सारे पेपर्स मैंने तैयार कर लिए हैं ये रहा 5 लाख रुपए का चेक इसे तुम उनकी पत्नी को दे के 1 लाख रुपए लेके आ जाना आप उनकी राह देख रहे होंगे वो लाख रुपए हमें क्यों देंगे वो तुमने एक्सीडेंट किए और मैंने खर्च नहीं किया क्या ठीक है तुम्हें एक नई कार देता हूँ उसमें चले जाना उस दिन का खाया हुआ खाना और दादा की डांट दोनों नहीं भूल सकता बाबूलाल रेगिस्तान में रास्ता भटकने के साथ साथ पैसे भी खो दिए
यहाँ तक पानी भी चुरा कर पीने की नौबत आ गई। अपन की यही कहानी है बाबूलाल, दो रूमाली रोटी, एक आलू गोभी, लस्सी, रोटी में मस्त बटर डालना। आपके लिए सर, नो फैट, नो ऑयल, नो मसाला, इसके बिना कुछ भी है तो लेके आ जा। भोलेनाथ, तीनों लोकों में वो कहां होगा? बोले बनवारी जी, बनवारी जी, वो लोग आ गए क्या? हाँ, हाँ, गई बेटी, पार्टी नहीं जाना है, मुझे देर हो रही है। हाँ मैं जानता हूँ, रात भर डांस करके आवारागर्दी करके दिन में चैन से सोती हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मैं जानता हूँ। गुड इवनिंग सर। सुबह गुड मॉर्निंग बोली थी ना, अब गुड इवनिंग किस लिए? इस उम्र में भूलने की आदत पड़ गई। उनके आने तक हम दोनों क्या करेंगे सर? तुम स्कर्ट पहनो, मैं कच्चा पहनता हूँ, दोनों उनके सामने डांस करेंगे। ओके सर। और नहीं तो क्या, वो पार्टी में जाने की बात कर रही है, उसकी माँ चाय पी रही है, उसके बाप मेरा खून पी रहा है। और हेलो, आई कॉल यू लेटर सर। जूस तू पी ले, पी ले। हाय अंकल। आई एम ला फादर इन ला। हाय हाय मिस्टर डीपी, यू हैव अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल हाउस। ठीक है जी, व्हाट अबाउट जीके? ही इज एक्चुअली आउट ऑफ इंडिया बट ही कैन वेट, सॉरी। चलो, मेरी पत्नी। हाय। हेलो। हमार लीगल एडवाइजर। बनवारी सर। ओ इट्स ओके, अच्छे संस्कार है आपके। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। बॉबी व्हाई डोंट यू टेक अ पिक्चर? बनवारी तू ले लेना, इंपॉर्टेंट फोटोज मुझे ही खींचने के लिए कहती हैं। वो इसलिए कि तुम फोटो में नहीं होगे ना। बनवारी सर, अखुन चले जाओ। क्या लाऊं? बाद में आना। हाय। हेलो। हेलो आंटी। यह है मेरी बेटी सुमिता, तुम्हें देता हूँ, जाओ। आर यू श्योर अंकल? 100%। चॉपर तुम्हारा है? Yeah. Hello. Yeah, we're starting now. Let's go. ये सब तुमने कैसे अरेंज किया? इस कार्ड को स्वाइप करे तो तुम उस चांद को भी अपनी बालकनी में रख सकती हो। Excuse me. Yeah. Hello.
I'm a little busy right now. So call me in the morning. Thanks. Yep. Hey, Sumita. Hey, Sumita. Hey, Sumita, wait. Sumita, Rocco. Listen to me. Sumita Rajasthan mein miss ho gayi hai. Wo condom packet. I'm sorry, Dad. ये तूने क्या किया? तूने उस लड़की को क्या समझा? पैसे लेने वाली कॉल गर्ल? उसके बाप के साथ 400 करोड़ के बिजनेस की बात हुई थी. तुम्हारे पागलपन से सब कुछ मिट्टी में मिल गया. Stay out. सबके सब बेकार हैं. Is it? She's not there. Hello. हाँ सर. Sorry दुर्गा प्रसाद जी. मेरे बेटे से भूल हो गई है. 24 घंटे के अंदर तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास होगी विदाउट फेल. हे जाके काम देखो. इनप्रैक्टिकल गाइस, प्लानिंग करना भी नहीं जानते. अरे भैया सामने कोई दरिया नजर आ रहा है. अरे दरिया नहीं, वो आपका धोखा है. यू मीन मैरिज? यानी कि सब धोखा है. इंसान के दिमाग की उपज बहुत अजीब है. तुझे यहाँ एक ही दिन हुआ ना. हाँ। इसीलिए सब जगह दरिया दिख रहा है. हाँ। अपुन को यहाँ 3 दिन हो गया है. हाँ? अरे अरे वहाँ देख यार, लगता है सचमुच सुमिता आ रही है. हे राजू! अरे भाया मुझे लग रहा है कि दौड़ के आ रही है. अच्छा. हाँ? पहले तो चल के आ रही थी. भाया ये भी कोई धोखा तो नहीं? नहीं होना चाहिए. बाप रे, थैंक गॉड इट्स यू राजू. कल रात से मैं सिर्फ जानवरों को देख रही हूँ, एक इंसान को नहीं. मुझे घर ले जाओ ना, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगी. 2000, 3000, तुम्हारा राउंड फिगर 5000. ओह, आई एम सो सॉरी, आई एम सुमिता. और आप? डॉक्यूमेंट्री. डॉक्यूमेंट्री? क्या बोल रहे हैं आप? बाबूलाल, आप यहाँ कैसे आई? दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी. कल यहाँ मैं किसी के साथ हेलीकॉप्टर में आई थी और आज उसे धोखा देकर भाग निकली. लेकिन यहाँ पे तो ना कोई टैक्सी है ना ऑटो. व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेस इज दिस? यू नो, सारी रात इतने बड़े बड़े मच्छर काट काट के परेशान कर दिया. ये देखो, पता है इस वक्त हम कहाँ पर हैं? मुंबई से शायद 20-30 किलोमीटर अवे. राजू, आई नीड अ शावर बैडली. बाय द वे, तुमने अपनी टैक्सी कहाँ पार्क की है? तूने उस दिन सर पे मारा तो एक चमत्कार हो गया. अपन को 3 दिन तक अस्पताल में रहना पड़ा. द वेरी नेक्स्ट डे शनि का ऐसा असर हुआ कि मरने के लिए तैयार दो आदमी अपन के टैक्सी में चढ़ गए. उन्हें ऑफिस छोड़ा, दोनों अंदर गए, किसी ने गोली मारी और एक ऊपर चला गया और दूसरा आदमी, अरे बाप रे, यही हाईलाइट है. बहुत अच्छा है, वेरी इंटरेस्टिंग. दौड़ के आके अपन के टैक्सी पर गिर गया और टैक्सी जमीन के नीचे धस गई. सुना कि यहाँ कोई नया शोरूम खुला है और सोचा कि नई कोई टैक्सी हो तो खरीद लूं. ऑटो टैक्सी चाहिए? ऊंट मिलेगा यहाँ? ऊंट नहीं, अगर वो भी नहीं मिला ना तो मैं झुक जाऊंगा. तू बैठना, मैं लेके जाऊंगा. यहाँ से मुंबई सिर्फ 20-30 किलोमीटर दूर है. मेरी जूती पाकिस्तान नजदीक है. यहाँ देखो, माइलस्टोन देखो, देख लिया ना? ये बड़े बड़े मच्छर हैं यहाँ. यहाँ के सामने काट लिया तो पानी भी नहीं मांगोगी. मैडम, हेलीकॉप्टर छोड़कर यहाँ कहाँ रेगिस्तान में फंस गई हैं आप? वो बात नहीं है, उसके पास कॉन्डम्स थे, रिस्क ज्यादा है इसलिए. मेरे पास वो भी नहीं है तो रिस्क और बढ़ गया ना. इसी वक्त मुंबई ले चले ना प्लीज. परेशान क्यों होती है, हमारे साथ चलिए. मर जाओगे. आप डराइए मत. अरे ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, हम कोई नजदीक का रेलवे स्टेशन ढूंढते हैं और वहीं से वहीं खिसक जाएंगे. हाँ, मेरी जान के साथ यहाँ से बाहर जाओगे? हाँ, पागलपन की भी एक हद होती है. धूप में घूमते घूमते बाबूलाल तेरा बैलेंस बिगड़ गया है. अरे उसे छोड़ो, आप चलिए मेरे साथ. ऊपर उठा,
उठा। इसकी जांघें मजबूत है बाबूलाल, हम ऐसी जांघें नहीं बना सकते हैं। आजा आजा, आके मेरे ऊपर कूद, बबल गम बना के जमीन पे चिपका दे। छोटी आंख वाले। छोटी आंख वाला किससे कहा तूने? देखा देखा उसकी आंखें कैसे घूर रही है और खंभे जैसे खड़ी है। सर 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 सर, छोड़िए ना, बेचारी औरत जाता है, आइए चलिए ना। बाप रे बाप, मैं घर जा रहा हूँ बाबूलाल, इसे तंग आ चुका हूँ मैं। ए मेरे बजरंग बली, अरे क्या मारती है, क्या निशाना है आपका? इतनी देर से वही तो कह रहा था मैं, आपको फुटबॉल खेलना आता है? हाँ, मैं अपने स्कूल में फॉरवर्ड थी। मैं कॉलेज में मैं गोलकीपर था, पता है? अच्छा, तो इसे रोकेगा? ओ नो, इसे मार दिया तूने। बाबूलाल उठो बाबूलाल, माँ की आंख खून भी बह रहा है, वो स्कार्फ निकालो। मैं क्यों दूँ? तुम अपना दो उसे। तू मार के मेरा स्कार्फ मांग रही है? नहीं नहीं जल्दी ला। नहीं मानी दूंगी। तू ऐसे नहीं मांगी। मैं खुद। क्या कर रहे हो? You know how much it costs? Idiot. क्या हुआ भाया, बताओ तो? उसने गोल किया, तूने मिस किया। अरे भाया, उनकी ड्रेस क्यों ऐसे फट गई है? मैंने यूज कर लिया। हाँ यूज कर लिया, यानी यू यूज्ड? यहाँ काफी रेत है, रेत बेचने वालों के लिए काफी फायदा है, हमारे लिए कोई फायदा नहीं है बाबूलाल। बाबूलाल आप किसने रखा? क्या है कि मेरे पिताजी फौज में बाबू का काम किया करते थे, इसलिए माँ ने बाबू के साथ लाल जोड़ दिया। अच्छा बाबूलाल ये बताओ, तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते हैं? वैसे माँ बम्बई में और बाप बिहार में है। सुमिता, आपका नाम तो बहुत बढ़िया है जी, पुराने जमाने का नाम है ना? काफी लंबा चौड़ा नाम है, सुमो, शॉर्ट एंड कम्फर्टेबल होगा। ये सुमो क्या होता है? शॉर्ट एंड सिंपल, सो बोल के बुलाओ ना। सुसु का मतलब ये होता है, चलेगा? सुमो मर गई। कुछ नहीं, सिस्टम में डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। सुमो चुड़ैल है। सुमो भूतनी है। बहुत अच्छा है। बाबूलाल हम इसको लेके सेंटेंस फॉर्म करेंगे। व्हाई नॉट? सुमो के मरण दिन को नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर करते हैं। फैंटास्टिक। सुमो को मारने वाले को कोई सजा नहीं होगी, इनाम भी देंगे। उल्टा सुमो के मरण दिन देशवासियों को चॉकलेट बांटेंगे विद बिस्किट्स। बाबूलाल हे भगवान, और दो बार इसे पत्थर से मारोगी तो तेरा ड्रेस बिकनी में बदल जाएगा और इस बीच में मेरी जान ही निकल जाएगी। सुमो काफी सेक्सी लग रही है यार। ए अरे भाया, वो कोई स्कूल बस लग रही है, चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। राजू यहाँ तो कोई नजर नहीं आता भाया। चाबी भी है, चलो चलते हैं। नहीं भाया, स्टार्ट करते ही ब्लास्ट हो गया तो? क्यों? किसी ने शायद बॉम्ब रखा हो। अरे तेरी जात का बैदा मारू, मैं सोनिया गांधी और तू मनमोहन सिंह है? जो हमारे लिए यहाँ एक बस खड़ी करके उसमें बम रखे विस्फोट करेंगे? तो दिमाग से पैदल है, जो जी में आया बक दिया। अरे वहाँ कोई है भाया? रुकिए, वहाँ वो कुछ कर रहा है, झाड़ को उखाड़ रहा हूँ। क्या मस्त तरबूज है मेरे भाई। मेरा नाम बाबूलाल है जी। आई एम टॉम कुश। ये कैसा नाम है? मेरे माँ बाप ने रखा है, मैं छोटा था ना इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं कर पाया। वैसे आप क्या काम करते हैं? प्लांट टॉक्सिन। क्या 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 क्या? पेड़ पौधों में जहर होता है या नहीं ये रिसर्च कर रहा हूँ मैं। तो इसमें जहर है क्या? या बहुत अच्छा है। डोंट टच, दिस इज वेरी डेंजरस। चुभ गया तो सेप्टिक हो जाएगा, घुस गया तो घर जाने की फुर्सत नहीं मिलेगी, यहीं दफन हो जाओगे। ये डिक्की में मुश्किल है, ट्रेन में नहीं, फ्लाइट में कभी नहीं। फैंटास्टिक, क्लेवर बॉय। इसके लिए ये बस लेके आया हूँ। आई गॉट इट भाई। वो जा रहा, पूछिए ना लिफ्ट, पूछिए ना। टॉम भाई क्या बात है, जरा हमें लिफ्ट दो ना। क्यों दूं भला, इस धूप में मर जाएंगे यार। तो मर जाओ। अरे हमारी बात छोड़ो, उस लड़की के बारे में सोचो। अरे भाई लड़की कहाँ? अरे ऊंटनी जैसी लड़की सामने खड़ी है, और कहाँ है बोल रहे हो? दिस बेबी, या या या, देखने में तो बहुत मजबूत लड़की है, ये खुद आप लोगों को उठा के लेके जाएगी। आपको क्यों चाहिए लिफ्ट? मजाक छोड़ो ना यार, मेरी जान यहाँ। मेरी जान, यू पीपल हैविंग फन। ये भी आपकी तरह पेड़ पौधों से बहुत प्यार करती है। अच्छा। हाय, आई एम टॉम कुश। हम पर तो इस भूतनी का असर धीरे से पड़ा था, लेकिन ये तो फौरन फिसल गया। अरे रहने दो भैया, रेगिस्तान में रेत होती है और रेत में खड्डा भी होता है।
Are you okay? अभी मैं क्या बताऊं? बाहर आने के बाद बताता हूं। Excuse me sir, आप मुझे उठाइए, आप इसे उठाइए। ठीक है। Thank you. मैं help करूं? Hey, don't touch. I, okay? Hey, where is my phal? ये रहा। Oh, thank you. टॉम सुनो, हमें लिफ्ट दोगे ना प्लीज? क्या स्टाइल है। हाँ यार, बस अपुन की होती तो अपुन ही इसको लिफ्ट दे देता। लिफ्ट कम। थैंक यू। शिट। अब क्या कहते हो बाबूलाल? छोड़िए ना सर, हैंडल का स्क्रू होगा, स्क्रू होगा तो ढीला भी होगा, यही ना। डिस्कशन को मारो गोली, पहले टॉम जी की हेल्प करो। बाप रे, टॉम जी आओ जी। रोड उबड़ खाबड़ है। ब्रदर, बुरा ना मानो तो इस लड़की को टपका दूं। आई, क्या बोला इसने? ये भाई साहब मेरी जान को टपकाने की बात कर रहे हैं। हाँ, टपकाएगा? मुझ में अगर ताकत होती तो मैं अकेला ही इसे टपका देता। लौंडिया सॉलिड है, इसलिए आपकी मदद चाहिए। इसने कौन सा पाप किया है? क्या पाप किए हैं? पहली बार छूते ही मैं गड्ढे में गिर गया, दूसरी बार छूते ही हवा में उड़ते हुए नीचे गिर गया। किसी के पैरों में होता है और किसी के जुबान में होता है, लेकिन इसकी पूरी बॉडी में है। वो क्या भाया? आयन। She's iron lady. करेक्ट भाई, अपन भी यही कह रहा है। ये बाबूलाल नहीं मानता है। अरे वो माने या ना माने, लेकिन हम दोनों तो मानते हैं ना। ये बिल्कुल गलत है। क्या गलत है? अब वो मुझे मानना चाहती है, वो सही है। अरे एक दो इंसिडेंट हो जाते हैं लाइफ में, उसके लिए तो फिर हमारे साथ जो हुआ वो घटना नहीं दुर्घटना थी। आई विल प्रूव इट। सी क्या है? मॉस्किटो। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। किसानो जल्दी आ, बेटा भी कपड़े गांव में खाने आए हुए हैं, आप खाना खिलाओ। तुम बोल रहे थे कुछ होने वाला है, बिना मांगे खाना खिला रही है वो। तो टॉम भाया, सब लोग बुरे नहीं होते, उनमें कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। जिस जगह पे पेड़ पौधे नहीं उगते वहाँ पे मोबाइल मिस चला रहे। समथिंग इज रॉन्ग ब्रदर। समथिंग नहीं भाई, अपन को एवरीथिंग इज रॉन्ग लग रहा है। कहीं कैरियर में चाकू तो नहीं है? वो चाकू कहाँ से लगी, वो तो खुद चाकू लग रही है। आप उस कांटे वाले पेड़ को छोड़ के फलों वाले पेड़ पर रिसर्च करोगे तो बेहतर होगा। थोड़ा थोड़ा। हाँ आप लीजिए, लीजिए। इनफ इनफ इनफ। लीजिए लीजिए। शुक्रिया। खाना बड़ा मजेदार था ना? या या, वेरी टेस्टी। फ्री का था ना, टेस्टी तो होगा। Hey, where is my bus man? Hey, वो लोग कहाँ हैं? Oh my God, where is my bus? बाप रे बाप, खाना खिला के बस को ही उड़ा के लेके गई। क्यों बाबूलाल? तूने कहा था सब बुरे नहीं अच्छे भी होते हैं। Where is my phone? जिन हाथों से खाना खिलाई उन्हीं हाथों से गाड़ी के पार्ट्स भी चुरा के ले गई। टॉम भाई को धूल चटवा दी ना। क्या धूल भाई? It's okay. तुमने सीक्रेट नाम की किताब पढ़ी है? किसी की सीक्रेट किताब पढ़ना अच्छी बात नहीं है भाई। आई लव आकर्षण। इसका मतलब? लेकिन इसमें नेगेटिव आकर्षण है, इसे छुआ तो भस्म हो जाएंगे, पकड़ा तो जलेंगे भाई। मैरिज कर ले तो मट्टी मट्टी बन जाओगे तुम। तो फिर क्या करें सर? इसे टपका देंगे भाई। टपका दो। मैं बीच में टांग नहीं अड़ाऊंगा। यहाँ गिरदवाला नाम का एक गांव है, वहाँ दिलावर सिंह का परिवार रहता है। उन्हें 5 लाख देके 1 लाख वापस ले आऊंगा। उसके बाद उस रात को मैं और बाबूलाल उसके टांगे पकड़ेंगे, आप उसके गर्दन कटा 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 काट देना। नहीं सर, मुझे इन मामलों में मत धकेलिए सर, प्लीज सर। हाँ मेरी जान, तुम गिरदवाला गाँव जाना चाहते थे ना? क्यों, तेरे बैग में है? नहीं, यहाँ पे है माय लवली स्टीयरिंग। दिलावर सिंह का घर यही घर है उसका। मैं दिलावर सिंह का पिता हूं, आप अंदर आइए।
आइए बैठिए। मारो छोकरो मरिया रे बच्चे, मेरा दोस्ता भी मारे घरों आरो छोड़ दियो। घर में नीना नीना छोकरा ऐसा और मैं डोकरो हूँ। घर में कावन वास्ते कोई नहीं है। चलोगा तो बिना कम जानते थे, फिर भी इतनी दूर सुपिया दीवान वास्ते आए। थे माँ के लिए भगवान हो सा, थे माँ के लिए भगवान, थे माँ के लिए भगवान हो सा। बेटे की मौत के बाद उसके दोस्तों ने भी कभी फिर पलट कर नहीं देखा। एक अजनबी होकर तुम इनकी मदद कर रहे हो, बहुत खुश है। तुम्हारा हिस्सा पूछ लूं? अब क्या पूछना, उनकी हालत देख रही हो ना, खाने के फांके पड़े हैं। 1 लाख कहां से देंगे, नहीं चाहिए। ओनर पैसे मांगेंगे, दे भी देंगे, उधार लेके अपन दे देगा, नहीं तो दादाजी से ले लेगा अपन। कुछ भी हो आखिर दादा ही है ना। 1 लाख रुपए हाथ से निकल गए। ओके दे दो। यहां ऐश करो जाओ। लार मत टपका, तुझे भी मिलेगा। मीठी मीठी धुन बजाए राधा के मन को लुभाए, गोपी बोले गिरधर नंदलाला नंदलाला। मीठी मीठी धुन वो बजाए राधा के मन को लुभाए, गोपी बोले गिरधर नंदलाला नंदलाला, गोपी बोले गिरधर नंदलाला। मुझसे कह जाए ना, मुझसे कह जाए ना, बिन कहे रह जाए ना, बिन कहे रह जाए ना, मुझसे कह जाए ना, बिन कहे रह जाए ना। उठी है ऐसी लहर जो दिल को तड़पाए, मैं जागूं रात रात भर निंदिया नाए। दिल की ये बेकरारी चाहत हमारी, उनसे ये आज कह दूंगा, कह दूंगा। करता हूँ मैं उनसे प्यार ये खुल के मैं कह दूंगा, छुपा है दिल में जो कब से मैं वो हर राज कह दूंगा। गोविंदा 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 गोविंदा। को भी प्यार वो कह पाए ना, दूर रहना सके वो पास आए ना। दिल अब तो माने ना, अब सहा जाए ना, आज होठों से पहरा हटेगा।
उनके पास मेरा दिल उन्हें ही माना है अपना हम ही उन पे मरते हैं हमें है आज ये कहना गोविंदा 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 झुमरे 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 ओ गिरधर झुमरे 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 ओ गिरधर झुमरे 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 ओ गिरधर झुमरे 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 तो तेरा ही हो गया तुझ में ही खो गया अब बाहों में तेरी है रहना नहीं जाना कहीं भी तू मेरे दिल में ही तुम रहना तेरे ही वास में अब है मेरी सजना मेरा सजना किलोमीटर चलने के लिए पूरी रात ट्रेवल करोगे क्या अकल नहीं है क्या तुम्हें सॉरी सर क्यों बाबूलाल हमारी गाड़ी आ गई हाँ नेटवर्क मिलते ही मैंने फोन किया तो ये लोग तुरंत गाड़ी लेके हाँ सर थैंक गॉड टाइम पे कार आ गई अच्छा काम किया तूने जाके सामान लेके आओ एक मिनट भैया मैडम आप भी राजू भैया यहाँ से आधे घंटे की दूरी पर आबोर नाम का एक बस स्टॉप है रोज शाम को 5 बजे वहाँ से एक बस चलती है अगर मिस कर दिया तो अगले दिन तक इंतजार करना पड़ेगा अगर फास्ट चल के जाएंगे तो उसे पकड़ सकते हैं जल्दी जाइए मतलब छोड़ के जाएगा क्या बात कर रहा है अपनी जान दे दूं क्या ये तो तिरुपति बालाजी की कृपा है कि मैं बाल बाल बच गया वरना इनकी वजह से तो अभी तक जान चली गई होती सॉरी मैडम बुरा मत मानिए बेचारे टॉम भाई की वो दर्दनाक चीख अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है कुछ पता है तू देखता क्या चल गाड़ी निकाल बाबूलाल इस बार कुछ नहीं होगा अरे राजू भैया मुझे तो माफ करो अरे मैं हूं ना साथ में मेरी लाश देखने के लिए क्या चल भगा भैया छोड़ के मत जा यार बाबूलाल इस तरह क्या देख रही हो वो वापस आएगा सोच रही हो साला कभी नहीं आएगा जाके बैग लेके आओ वरना बस भी निकल जाएगी अरे बाबूलाल इतना अकलमंद हो गया शाम को जब बस चढ़ रहे थे तो किसी ने मार दिया इन्हें प्लीज हॉस्पिटल तक पहुंचाइए उसे मैंने ही मारा छत्रपति राजू 6 फीट हाइट है
काली आंखें। That's right. राइट में एक दांत नहीं है, बाकी सब ठीक है। ये सब कैसे हुआ? पीठ पर मारा है, अंदरूनी चोट है सर, बार खून की निशानी है। ओके, लड़की कहाँ है? यही है सर, मेरे पास ही है, क्या करूं उसका? साले ने मौका किसने मौका बताओ तो सिर्फ उसी को मारेगा, वरना सबको टपका देगा। अपन सर खामोश रहेगा तो अपने से ही करेगा। साला छक्के जैसा अपन पे पीछे से वार करता है, ये हथियार अपन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये अपन के लिए खिलौना है, समझे? ए, मार डालो साले को। हाँ हाँ, तू आके मारेगा, अपन बैठा रहेगा। आजा 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 आजा। मारो साले को, मारो। इसे उखाड़ कर अपन को मारेगा क्या? नहीं नहीं, तेरी मां का। इसे तेरी हथेली में गाड़ दिया तो धोने वाले हाथ से तुझे खाना पड़ेगा साले। आजा आजा, अब तेरी बारी आ गई। साला तू इन सब का लीडर है ना, अगर तुझे टपका दिया तो सारी प्रॉब्लम खलास। एक मिनट, अभी आता हूँ। एक मिनट, आजा। तो रहना, अपुन को भी होता। आगे से मारने की हिम्मत नहीं, साला पीछे से मरता है। ये ले, देखा, अपुन तेरे जैसा नहीं है। Hey!
उसकी आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है। पंचभूत ऊंचे स्वर में चिल्लाएंगे, इस भूमि पर वर्षा उसका स्वागत करेगी। यहाँ की मिट्टी रुद्र तांडव करेगी, उसकी हल्की सी आवाज भी चारों ओर गूंजेगी। जिसे तुम देखना चाहते हो वो स्वयं तुम्हारे सामने आएगा। जिसे तुम देखना चाहते हो उसका आकाश अभिषेक करेगा, जिसकी कन उंगली पर अपनी तांडव करेगी। अग्नि अग्नि चाहिए, अग्नि अग्नि चाहिए। जिसके छूने से तुम्हारे माथे पर रक्त तिलक बनेगा, जिसे देखकर मौत भी कांपती है, जिसके छूने से तुम्हारी शक्ति बढ़ जाए, जिसे देखकर नन्हे बच्चे भी मुस्कुराने लग जाएं, जिसके छूने से कुटिया भी महल बन जाए, उसे लेकर राजा सिद्धा, उसे लेकर राजा। पहले अपन को बचा। अंधी हो गई हो क्या? सॉरी 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 सॉरी। कहाँ हैं हम? पाली। आंध्र प्रदेश। ये बताओ अखा, राजस्थान में तुम्हें कोई अस्पताल नहीं मिला क्या? तू और तेरी ड्राइविंग, कभी ब्रेक नहीं दबाती है। फर्स्ट गियर के अलावा कोई गियर ही नहीं क्या? क्यों?
ये कैसा गांव है? हर कोई आके पांव पड़ता है, हाथ जोड़ता है, आखिर क्या है सब? हंस क्यों रही है? क्या है? गांव में सब तुम्हें भगवान मानते हैं। क्या भगवान? मुझे? टैक्सी ड्राइवर हूँ, बताना था ना। लेकिन उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण भी अर्जुन के ड्राइवर थे। किसने? भगवान मानते हैं। हाँ, स्टैंडिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया क्या? बहुत खूब, बहुत खूब। यही है क्या? गांव वालों को क्यों बोला कि अपन भगवान है? साधारण भगवान नहीं, 534 लोगों की रक्षा करने वाले भगवान हो। 534 लोगों को बचाने आया? क्यों, 35 हुआ तो प्रॉब्लम है? क्यों, तुम्हें पता है तुमने क्या बोला है? देवी माँ ने कहा था कि तुम अग्नि व जल के साथ यहाँ आओगे। एक्चुअली अपन जख्मी होके आया था, इलाज होते ही चला जाएगा। स्वामी, मेरे बच्चे का नामकरण करो। चीचू। बहुत अच्छा चीचू। अरे ये नाम नहीं है, अपन ने यूं ही बोल दिया। वो बड़ा होके मुझे गाली देगा यार, चुप। तोबा 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 तोबा, सब के सब सटिया गए हैं। भगवान कहता है, अपन भगवान नहीं है, समझा क्या? तुम भगवान ही हो। आवाज ऊंची नहीं, अपन नहीं माना तो मारेगा क्या? तुझे नहीं पता भगवान जो बोलता है वो होता है। फॉर एग्जाम्पल, अपन फूल बरसने के लिए कहेगा तो बरसेगा क्या? हवा का झोंका कुछ ज्यादा है। हवा तो सुबह से बह रही है, फूल अब गिरे हैं। हाँ, तू और ये लॉजिक। शिरडी के साई जैसे पांव तले पानी आएगा कहूंगा तो आएगा क्या? वो लड़की गिरा रही है। किंतु ढलान उधर है। अपन का भेजा फ्राई कर रहा है, इसके सामने एक और टेस्ट रखता हूं। अगर अपन भगवान है तो वो दीवार फौरन गिर जाएगी। ए रुक, कहां जा रहा है? हर हर महादेव। ए ये क्या? अपन ने दीवार को गिरने के लिए कहा, गिराने के लिए नहीं। पेड़ पर से फूल बरसे हैं, बच्ची के हाथों पानी बहा है, सिद्धा से पत्थरों की दीवार गिरी। तुम जो सोचोगे वही होगा। तुम्हारी मुस्कान वरदान है, तुम्हारा क्रोध श्राप है, शब्द अटूट हैं। काली की यह रात्रि बेला गुरुकुल से गुरु आज्ञा लेकर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी दिशाओं कोथा छाना प्रेम की पूजा कामना दूजा और श्रद्धा में शीश झुका के स्वामी कोथा नमन किया। व्याकुल मंथा आकुल आत्मा कहाँ मिलेगा ये परमात्मा, तीनों लोक 14 भुवनों में मैंने जाकर भ्रमण किया, यहाँ न पाया वहाँ न पाया, अंतर्मन मेरा चकराया, ये स्वामी की ही थी माया, तब जाकर मैं दर्शन पाया, ऐसे जीवन धन्य बनाया। नमामि शंकर भजामि शंकर नमामि शंकर नमो नमो, नमामि शंकर भजामि शंकर नमामि शंकर नमो नमो, नमामि शंकर भजामि शंकर नमामि शंकर नमो नमो, नमामि शंकर भजामि शंकर नमामि शंकर नमो नमो। ओम नमो शिवरुद्राय, ओम नमो सितिकंठाय, ओम नमो हरनागाभरणाय प्रणवाय, ढम ढम ढमरुकनादानंदाय, ओम नमो निटलाक्षाय, ओम नमो भस्मांगाय, ओम नमो हिमशैलावरणाय प्रमदाय, धीमि धीमि तांडव केली लोलाय। सन्यासी उमापति कैलाशवासी, शिव का तू अवतारी, तू सबका हितकारी, तू टुकड़े हमारे मिटाएगा, सुख का सूरज तू गाएगा, तू धूप को छाव बनाएगा, ये वादा तुझको करना ही होगा, हमारी कर सदा, संकट से बचाए तू ही सदा, हर लेना हमारी हर विपदा, यहाँ तेरे सिवा अब कोई भी नहीं है सहारा। शिव शंकर डमरू बजा,
सुख के नए दीपक जला धरती अंबर डोले त्रिनेत्र तू जब खोले इसीलिए जग वाले कहते हैं तुझे भोले ओम नमः शिव जय 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 ओम नमः शिव जय 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 ओम नमः शिव तू तू जय 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 सिंग अलोंग सिंग शिव शंभो ऑल द वे ओम नमः शिव जय 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 हील द वर्ल्ड इज ऑल वी प्रे Save our lives and take our pain away. Jai Jai Jai, sing along and sing a Shiva Shambho all the way. कैलाशवासी शिव का तू अवतारी तू सबका हितकारी हर हर महादेव बच्चे को देखिए क्या है कल तक ये बिल्कुल ठीक थी आज अचानक इसकी तबीयत खराब हो गई सुबह खाने में क्या दिया खिचड़ी साहब रात को खिचड़ी हाँ तो फिर तबीयत खराब होगी फल और हरी सब्जियाँ खिलाना इसे ये मिलना ही बहुत मुश्किल है फिर बच्चे को पैदा क्यों किया तूने है चक्रे जरा जरा बुखार चेक करना और बीपी भी चेक करो ओके स्टेथोस्कोप कैसे चेक करोगे ब्लड सैंपल को जल्दी लैब में भेज दो ओके सर उन्हें कुछ भी करने दीजिए पर वो बच्ची नहीं बचने वाली अकस्मात मौत होगी शरीर में फफोले पड़ जाएंगे और आंखें लाल हो जाएगी उसके बाद सगे संबंधी मातम मनाएंगे उत्तर में जो शमशान है वहां दफन कर देंगे सैंपल कहां से आए पाली गांव के मेडिकल कैंप से प्लीज कंट्रोल जी के ऑफिस कैम हटाने के लिए डीन से बात करनी होगी डैड डीन असिस्टेंट ओके बट डीन स्टॉकिंग टाइम रूल्स डैड ओके गोवर्धन को फोन लगाओ वहां 20 आदमी को ले जाने के लिए कहो एंड नो गन्स आई वांट इट टू बी क्लीन पेपर में ये खबर नहीं आनी चाहिए हमारे अकाउंट से पैसे ना जाएं ना हमारी सिम से बात करें और ना ही हमारी कोई गाड़ी जाए फैक्स टेलेक्स और ईमेल इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए आप एक बार डीन से बात कर लीजिए डैड अगर काम नहीं हुआ तो गोवर्धन को भेज देंगे सुबह का अखबार नहीं पढ़ा क्या डीन कल शाम ही हार्ट अटैक से मर गया ही इज नो मोर हाथ से असिस्टेंट डीन का साइन करना ही काफी है जस्ट गो अहेड ये क्या है क्या मेडिकल कैंप को हटाना होगा ये लोग हंगामा करेंगे वो लोग हैंडल कर लेंगे कितना टाइम लगेगा हाँ टेंट लगाने के लिए 1 घंटा लगता है निकालने के लिए बस 15 मिनट काफी है
सर कल 8 पेशेंट्स को हम दवाई जो देने वाले हैं। सारे इक्विपमेंट पैक करो और लगेज कार में रखो। वो क्यों सर? इट्स डे इन ऑर्डर। आप घबराइए मत डॉक्टर, इस बच्चे को। सुनिए मैडम, फिकर करने की कोई बात नहीं, ये बच्ची मर चुकी है। इस तरह क्यों देख रही है? ये जो जी रही थी वो बोनस की जिंदगी थी। जो भी जन्म लेता है उसे मरना ही पड़ता है। ये 10 साल जी चुकी है, वही बड़ी बात है। पिछले महीने कितने लोग मरे थे? 25 लोग मरे थे, इसे मिलाकर 26। अब सलाइन किस लिए? हटा देता हूँ। पौधे मुरझा रहे हैं और बच्चे बेचारे मर रहे हैं, रोते रोते आंसू भी सूख गए। नहीं वीरा, रो मत। वीरा से कहना कि रोए नहीं। लोनी का प्लान कर लिया क्या? चलो जल्दी निकलो यहां से। लोगों का चेहरा देखकर दिमाग खराब हो गया। एक इंच बैंडेज, 1 ग्राम कॉटन और 1 बूंद स्पिरिट भी इसके ऊपर लगाया तो तुम सबको टपका डालेगा अपन। कीचड़ में कीड़ा है बोल के सलाइन को निकाल के बोरिया बिस्तर बांध के भाग रहा है, कहां जाएगा? जा 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 रहा है साले। हर हर महादेव। कौन है तू? छत्रपति राजू। हरदोई छत्रपति राजू, फ्रीडम फाइटर। वो बहुत ही मशहूर है, दादा को बहुत पसंद है इसलिए मुझे वो नाम दे दिया। अच्छा नहीं लगा? कहो ना, सबको अपन के नाम से ऐसे क्या प्रॉब्लम है, बोलना। Thank you.
रुक क्यों गए? चिल्ला, खाता क्या है तू? इतनी आवाज कहां से आई? अरे साले, तेरी चिल्लाहट सुनकर अपन ये भी भूल गया कि किसे मार रहा हूं और क्यों मार रहा हूं। अगर एक सेकंड लेट हो गया होता तो उसकी गर्दन कट जाती। तौबा 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 तौबा। अब मामला समझ गया अपन। हाँ, तुम लोग सब मिलकर अपन को चने के झाड़ पे चढ़ाओगे और अपन इन सबको टपका के जेल चला जाएगा और तुम लोग अपन की पूजा करोगे। अरे ये छोटा है, इसको नहीं पता। तू तो बड़ा है, तेरी अकल कहाँ गई? बोल, वो कौन है साला, पता भी नहीं। अरे सॉरी भाई, उंगली कट गई क्या? अबे अगर तेरे मुताबिक अपन भगवान है तो कभी मत कहना कि इसे मार उसे मार। ये जो बच्ची है ना, मर गई है। इस बच्ची में जान फूंक दो कहते हैं। ओम नमः शिवाय। Shiva Jai Jai Jai, heal the world is all we pray, save our lives and take our pain away. Jai Jai Jai, swing along and sing the Shiva Shambho all the way. Om Namah Shiva Jai Jai Jai, heal the world is all we pray, save our lives and take our pain away. Jai Jai Jai, swing along and sing the Shiva Shambho all the way. Raju, सच में तुम्हें अद्भुत शक्तियां हैं। चुप करना, तुम भी पागल हो गए क्या? मरी हुई बच्ची को जिंदा करने के लिए अपन शिरडी के साई बाबा थोड़ी है। वो बच्ची बेहोश थी, अपन के छूते ही उठ गई। सब लोग भगवान भगवान बोल के अपन का दिमाग खराब कर दिया। अपन पागल हो रहा है सुमो। अगर यही हाल रहा तो ये गांव भी पुटपर्ति जैसा हो जाएगा। फल फूल के साथ अपन का पूजा करेंगे। डर लग रहा है सुमो। तो अब हमें क्या करना चाहिए राजू? वो लोग क्या सोच रहे होंगे? वो लोग ना, अरे जिसे भगवान भगवान बोल के सर पे चढ़ा के बिठाया था और वो भगवान अचानक गायब हो गया बोल के अपन को जी भर के गाली दे रहे होंगे। तो वापस लौट जाए, मंदिर बनाएंगे। ठंड लग रही है, अपना ख्याल रखना चाहिए। इस तरह लॉरी में सफर करते वक्त शॉल या दुपट्टा साथ में लाना चाहिए। ठंडी हवा है, ऊपर से ओस गिर रहे हैं, तबीयत खराब हो जाएगी। तुम कोई दूध पीती बच्ची नहीं हो, संभल के रहना चाहिए ना। ये क्या जाने मन, क्या कर रही थी? धूल। हाँ धूल, फूंक रही थी। फूंक रही तो उफ़ करना चाहिए, क्या कर रही थी? अच्छा तो ये सब भी करती है? बापरे 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 बापरे, मर गया रे। ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा था कि जमाना बदल रहा है, क्या वो यही है? लड़कियां लड़कों को उकसाएंगी। हैं, बहुत खूब। दरअसल
तुम इस मूड में थी तो करके छोड़ दिया। अगर गुस्से के मूड में होती तो पत्थर उठा के सीधे सर पे मार देती ना। तुम्हें खुद पता नहीं कि तुम किस मूड में हो सुमो, तो अपन को भला कैसे पता चलेगा। ए अपन यहाँ बोल रहा है, तू वहां देख रही है, आंखों में देख। क्या मकसद है तेरा? एक नेक बच्चे की तरह अपन यहाँ सो रहा था, किस मकसद से करीब आई? क्या करने के लिए आई थी? क्या उखाड़ने? इसी मकसद से आई थी। मैं एक अच्छी लड़की हूं, इसलिए सिर्फ इतना ही किया। सर काल सर। हेलो, तुम्हारी बेटी सुना है किसी टैक्सी ड्राइवर के साथ घूम रही है। कहाँ? कहाँ है ये मत पूछो, क्या करना है ये सोचो, ख्याल रहे नाम अखबार में ना आए। उस टैक्सी ड्राइवर के पास से मेरी बहू को मेरे पास ले आओ, तब मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारी बेटी किसी के साथ घूम रही थी। Da
डैडी। ए, उसे मार कर इस लड़के को यहाँ लेकर आओ। क्या कहा? तुझे मार के मेरी बेटी को यहाँ लाने के लिए कहा। अरे इसे ले जाने के लिए अपन को क्यों मारना चाहते है? ले जाना है तो ले जाओ। कभी तेल के बिना गाड़ी चल सकती है? बोल, पटरी के बिना रेल चल सकती है क्या? खून की नदियां बहनी चाहिए। आजकल बारिश के लिए लोग तरस रहे हैं, तुम खून की नदियां बहाना चाहते हो? अपनी बेटी को शौक से ले जाओ। हे, वो बहुत डर गया है। माँ कसम, ना अपन को इनसे डर है और ना ही इस लड़की से प्यार। उसे दूध पीती बच्ची समझकर पूरा राजस्थान घुमाए हो, मैं नहीं जानता क्या। दूध पीती बच्ची? इसका फिगर देख रहे हो ना? रात को जो किया वो सुनोगे ना तो सुसाइड कर लोगे। हे, ये इस तरह बोल रहा है और तुम लोग हाथ पे हाथ धर के खड़े हो? चाय पी रहा हूं। तेरी चाय गई भाड़ में। ये क्या, एक हाथ पड़ते ही सॉलिड पड़ता है सर। तो परसों ही मैं डॉक्टर के पास दांत निकलवाने के लिए गया था। डॉक्टर ने मुझसे कहा एक हफ्ते के बाद आना, लेकिन इसने अभी निकाल दिया। ये लीजिए। ए, यानी दांत टूटने से उसे अकल आ गई है। बेहोशी के बिना दांत उखाड़ लिया ना, जोर से दर्द हुआ होगा। घर जाके दो दिन रेस्ट करेगा ना तो ठीक हो जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, हरदोई से किराए के गुंडों को लाया हूँ, सबके दांत तोड़ने के लिए बोलिए। वैसे उसने एक ही पे हाथ उठाया है, और भी बहुत सारे हैं। अपन भी खाली एक को मार के खुश नहीं है, अक्खा भीड़ को मार डालेगा। तो भी इन्हीं के साथ आया था ना? नहीं साहब। यहाँ क्या कर रहा है? मैं यही काम करता हूँ। काम कर रहा है? हाँ। लीटर पेट्रोल कितने का है साहब? लीटर पेट्रोल कितने का है? चोर लगता है, यहाँ काम करता है। बाप रे! सर, सर, मेरे बेटे के सामने मुझे मत मारना सर। बच्चे को क्यों लाए हो? घर में कोई नहीं है, इसीलिए अपने साथ ले आया हूं उसे। बच्चे के सामने ऐसी हरकत? क्या करूं, स्कूल फीस के लिए भी पैसे नहीं है। तुझे कितना देगा बोला? 3,000। 3,000? 4,000, बाकी 1,000 कमीशन उसने रख लिया सर। बच्चे की फीस हड़पते हो? शर्म नहीं आती? सर, 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 5,000 रुपये दिए सर, बनवा रही मुझे 4,000 थमा के 1,000 ले गया। थत तेरी जात का बैदा मारो, गरीबों के पेट पे लात मार के जीना, ये भी कोई जीना है? खुद तो कमीनो। वहां तो कोई नहीं है ना सर। होगा तो चुप रहेगा क्या? एक तो आप हैं, क्या कोट है, क्या शर्ट है, क्या पैंट है, क्या टाई है, इन कपड़ों में चोर लगता है। नालायक, गाली देनी थी, गाली दी नहीं ना? डांटे के बहाने गालियां दे दिया, रेस्पेक्ट की क्या जरूरत है? अपन बहुत कम करता है, जब कर रहा है तो ले लेना। वो क्या? रेस्पेक्ट। अभी रेस्पेक्ट के अलावा कुछ और भी देने वाला है क्या? अपनी लड़की को ले जा सकते हो। राजू, ये तुम क्या कह रहे हो? अपन सही बोल रहे, तेरे साथ घुमा इसलिए तेरे बाप ने पीछे वार किया, अभी भी दर्द हो रहा है। इतनी सी मोहब्बत के लिए इतना वायलेंस ठीक नहीं है। हाथ जोड़ता हूँ, अपने बाप के साथ चली जा, चली जा। कार में जाके बैठो। हा? कार में जाके बैठो बेटी, अजीब बॉडीगार्ड है, क्या घूर रहा है? आइंदा आप उनके सामने कभी टाई पहन के आया तो टेंटवा दबा दूंगा। तब्बू खाली करके सब डॉक्टर्स जा रहे हैं, वो दवाइयां भी लेके जा रहे हैं, और स्वामी जी भी हमें छोड़ के चले गए।
भगवान हमें छोड़कर नहीं गए, विशेष कार्य के लिए गए। हमारे विषय में ही सोच रहे हैं, ये कार्य अवश्य करेंगे। वो आएंगे। अच्छा आ गए तुम? अगर आज भी नहीं आते तो मैं अखबार में इश्तिहार दे दिया होता। दिया होता, वहां फोन का टावर नहीं है। खत लिख सकते थे ना, कलम में स्याही नहीं थी क्या? आदत से कभी बाज नहीं आएंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं है। तुम्हारा भेजा खाली है ये मैं जानता हूँ। ठीक है अंदर चलो। अरे ये कौन है? अरे बाप रे, तू कब आया? क्यों तुम नहीं जानते? अपन के लिए आया है। अब बता, अपन को यहां से लेके जाने के लिए आया है ना? अपन को क्या समझ के रखा है? अपन सिर्फ तीन बात जानता है, एक टैक्सी चलाना, दूसरी किसी ने टक्कर ली तो ठोकना, और तीसरी बात जानते हो, अगर वो अपन से ज्यादा ताकतवर है तो उसे मार खाना। अपन में क्या खूबी है जो तुम लोग भगवान कह रहे हो? अगर इस फल के बीज को हम बोएंगे तो इसमें पौधा निकलेगा, ये केवल तुम्हें बीज ही लगेगा, लेकिन मुझे पौधा दिखाई दे रहा है। टॉम भाई तो अब तक जिंदा है? Hey, Helena, don't touch, मार डालूंगा। तुम तो मुझे छोड़ के आ गए ना। अपन को गुदवाने से बहुत डर लगता है। और अपन को मजा आता है क्या? तुम्हारे उस जाने मन की वजह से मेरा सारा फल गायब हो गया, मेरा तरबूज चला गया, मेरी बस चली गई और मेरी नौकरी भी चली गई। गुप्त अंगों में गोद गोद के बर्बाद कर दिया उन लोगों ने। एक हफ्ते पहले निकला था, आज पहुंच रहा हूं मैं। ये कौन है ऐसे गोद की तरह बैठा हुआ है? ये अपन को भगवान समझता है। भगवान? अबे भगवान तू है तो फिर शैतान कौन होगा? यही तो अपन भी नहीं समझ रहे। समझने के लिए एक टेस्ट रखें क्या? एक 10 रुपए देना। क्या 10 रुपए चाहिए? देगा। सुबह से शुरू कर लिए जींस पैंट और शर्ट पहन के भीख मांगते, शर्म नहीं आती? ये 10 रुपए ऐसा मांग रहा है जैसे मैंने उसे उधार लिया हो। अरे बाप रे। अपन को 10 रुपए देंगे क्या? सौ का चेंज नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमारे पास पैसे होते हुए बाइक वाले से 10 रुपए मांगने की जरूरत क्या थी तुम्हें? कार वाले से अगर 10 रुपए मांगते हो तो वो तुम्हें 100 रुपया देता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कोई किसी को पैसा यूं ही नहीं देता। दूसरी बार अपन ने अपने लिए नहीं पूछा, अपन ने सोचा कि पैसा मिला तो इस बच्चे को दूध पिलाएगा। 100 रुपया दिया। भगवान की परिभाषा जान गया भाई, वो कहीं ऊपर नहीं है, तेरे और मेरे अंदर इधर है। किसी ने मदद मांगी तो सीना फाड़ के बाहर आ जाता है। तब 100 क्या, लाखों करोड़ों मिलेंगे। जो सोचेगा वही होगा। ए सिद्धा, देख अपन का तेरे गांव से कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी तेरी मदद करूंगा। तुझे बीज में पौधा दिखाई दिया, पर अपन को अपन के अंदर का भगवान दिख गया। दिखाता हूं, चल। ब्रदर कहां जा रहे हो? ब्रदर रुको, ब्रदर अरे कुछ तो बोलो, कहां जा रहे हो ब्रदर? बाप रे, थोड़ा आगे गए होते तो हम मर जाते। और नहीं भी जाते तो भी मर जाते। ऐसे समय पे तुम अगर मुंह बंद रखते तो अच्छा होता। बोलो ब्रदर। ओहो, कहां जा रहे हो? बोलो तो ब्रदर। ये अपन को बताएगा कहां जाना है। पकड़ ले उसे। किसे? ए, who are you? भगवान। क्या कहा? सुना नहीं या अनजाने में पूछ रहे हो? अनजाने में पूछ रहा हूं। कुछ बातों को ना समझना ही अच्छा है। तो मैं क्या करूं सर?
अकेले जहां में आए अकेले ही मरोगे, अकेले जॉगिंग नहीं कर सकते। कल सुबह जॉगिंग में हम दोनों मिलेंगे यार। जब मन किया मारते हो, कौन है वे तू? जिसकी एक मार से दिमाग का स्क्रू एकदम से ढीला हो जाता है मेरे भाई, वही है अपन। ये डायलॉग तो कहीं सुना है? दिमाग का स्क्रू नहीं ब्रदर, माइंड ब्लॉक करो। वो पुराना डायलॉग है, ये एकदम नवा है। लेकिन डायलॉग वही सही था, पर मार अभी अच्छी लगी। मुझे शुरू मेडिकल कैंप को वहां से पैकअप क्यों किया? टेलीग्राम में बैड न्यूज आए तो पोस्टमैन को मारोगे क्या? इस लॉजिक की जरूरत नहीं। अपन क्या पूछ रहा है, तू क्या जवाब दे रहा है? मेडिकल कैंप हटाने वाले डीन है, मैं तो सिर्फ एक पोस्टमैन हूँ। तू ऐसा नहीं बोलेगा, अभी मुंह खुला। उसका कहना सच है स्वामी, अपन नहीं मानता। क्या कर रहे हो? सुनो टॉम भाई, इसमें गुड़ मिला के खाओ और डीन को पकड़ के लाओ। उसे मामूली आदमी मत समझो, कॉलेज का हेड है वो, उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। पूरी सिक्योरिटी होगी या नहीं? सिक्योरिटी होगी या ना होगी मालूम नहीं। कहा था ना सिक्योरिटी होगी। अंदर जाना होगा भाई, दूध वाला, पेपर वाला, नौकर, पानी वाला, प्लम्बर, ड्राइवर, किसे पकड़े? तुम इंसान नहीं भगवान हो स्वामी, स्वामी तुम जो सोचोगे वही होगा। वाह, हम लोग भला अंदर क्यों जाएं? वो बाहर नहीं आएगा क्या? सुनिए, हाँ दीन वेंकट शर्मा आप ही हैं या? क्या चाहिए? भगवान से प्रश्न मत करो, आज्ञा का पालन करो। ए, ये क्या हो रहा है भाई? हमारे सामने किडनैप कर रहा है, चलो पुलिस को फोन करो। ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक, मार्वलस। अब तक 25 सीरियल बना चुका हूँ, लेकिन ऐसी इंटरनेशनल भी मैंने कभी नहीं देखी। यहाँ पे पुलिस को फोन करने वाला आप ही हैं? नेचुरल एक्टिंग की आपने, आर्टिस्ट को इनकरेज करो यार। ओ फोन, हेलो, हीरो कार में है ना? अच्छा, डोर लॉक करके दूर रहना। हाँ सर। क्या भाई? इस सीरियल का नाम क्या है सर? थाली में खोपड़ी। यानी? नहीं समझे क्या? स्टील प्लेट में इंसान की खोपड़ी। जान बची। आप चिंता मत कीजिए, वो उस रॉड से उस नारियल को फोड़ के गुड़ मिलाकर हमें खिलाएगा। तेरी तो मुझे क्या मार रहे हो? रोज नारियल खाने के लिए ये मंदिर थोड़ी है। आज लंच में कुछ और मिलेगा, एप्पल। एप्पल हेडेक कीप द डॉक्टर अवे। अरे मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मुझे भी एप्पल खिलाओ ना। एप्पल खिला के तुझे छोड़ दूं? केला खिला के मार डालूं क्या? साले, यहाँ खोटी आवाज नहीं निकलने का, अगर निकाली तो खल्लास कर दूंगा। इसे यहाँ क्यों लाए? मेडिकल कैंप, इसीलिए कहा हटाने के लिए। दीन, मेडिकल कैंप हटाने के लिए लेटर क्यों भेजा आपने? वो मैंने नहीं बल्कि जीके ने भेजा था। वो कौन है? जैसे विदेश में बिलगेट है ना, इंडिया में जीके है। उसका इस कॉलेज से क्या रिश्ता है? वो हमारे मेडिकल कॉलेज के बोर्ड मेंबर है। तो डीन ने मेडिकल कैंप हटाने से इनकार किया तो उसे टपका कर इसे सीट दे दी, ऐसी भी एक रूमर है। रूमर नहीं बल्कि सच है, पहले के डीन को भी जीके के आदमी गोवर्धन ने मारा था। मैंने साइन करने से इनकार किया तो मुझे भी धमकी दी, इसलिए साइन किया मैंने। बाप रे, उसे भी पकड़ना होगा। आखिर कितने लोगों को पकड़ के लाऊं? कुर्सी और रस्सी भी नहीं है, अगले आदमी के साथ कुर्सी और रस्सी भी लेके आएंगे। वो बहुत लंबा है, उसे पकड़कर यहाँ लाना इतना आसान काम नहीं है। स्वामी पर्वत है, उनसे टकराना मत, मिट जाओगे, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इसकी उम्मीदें तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं।
हेलो गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ कैसे आ गए? गेट तक तो कार में आया, गेट बंद थी इसलिए कूद के आया। क्यों? जीके से मिलने के लिए। मुझे यहाँ ज्वाइन किए 3 साल हो गए लेकिन मैं खुद उनसे नहीं मिला अभी तक। तुम मामूली सिक्योरिटी हो, तुम हमसे सवाल करते हो, ये कौन है जानते हो? भगवान है। अरे तुम खुद भगवान हो ना, कोई चमत्कार करो। अच्छा जोक कर लेते हैं भाई साहब। वैसे जीके मतलब जीके के लिए नहीं आए हम। सुना है यहाँ गोवर्धन नाम का एक आदमी काम करता है, अपन का बहुत करीबी दोस्त है वो, उसे बाहर बुला के बात करके चले जाएंगे प्लीज। आज इतवार है, आज छुट्टी है, फिर से गेट कूद के चले जाओ। आज इतवार है, गेट कूद के जाना पड़ेगा। तो ये पहले बोलना था ना तुम्हें, किस लिए आए हो, क्यों आए हो, ये सब डिटेल्स क्यों पूछ रहा था, दिमाग चल रहा है। चल यार, भगवान से दुश्मनी मत लेना, अंधे हो जाओगे। कोई बात नहीं। अरे छोड़ो भाई, बेकार की बातें कर रहे हो। आज इतवार है, हमें नहीं मालूम, बड़ा आया समझने वाला। ठीक 12 बजे मुझे बात करते रहो, फोन कट मत करना। आई बात समझ में? गोवर्धन यार, गोवर्धन मेरे पीछे एक लफंगा। गोवर्धन तू ही है ना? मेरे पीछे पड़ा हुआ। ए तू ही है ना? करते रहना। यार सांसें फूल गई यार। यार गोवर्धन अब भागा नहीं जा रहा है, कड़ी धूप में ऐसे क्यों भगा रहा है भाई? आखिर खाता क्या है तू, जो इतनी ताकत है तुझमें? है बोला, तू आदमी है या जानवर? अरे गोवर्धन एक बात पूछनी थी यार, प्लीज रुकना यार। यार गोवर्धन तू जिंदा है या मर गया? सारे बदन में जोरों का दर्द है। अरे यार उसे कस के बांध, दरवाजा कमजोर है। इतना भगाया, इतना भगाया, इतना भगाया इस गोवर्धन ने, तेरी दौड़ को अपन का सलाम यार। पांव में जोरों का दर्द है यार, क्या भागता है साला। अरे यार इसकी दौड़ से लगता है कि साला क्रॉस ब्रीड है। इस विस्की में वाटर क्रॉस करेगा तो बॉडी हवा में तैरेगी। हाँ डालना यार डालना। यार सिद्धा तुझे भी चाहिए क्या? ये भी अजीब किस्म का। तुझे अभी पता चला? मुझे तो कब का पता चल गया है। क्या साम भाई, उसे देखा? अघोरी लगता है साला। और ये है डीन, तक दिना दिन डीन साला। पढ़ाना लिखाना छोड़ के ये काम करते हैं आप? जब से उसे पेट्रोल पंप में छोड़ के आया तब से अपन की जिंदगी में जलजला आ गया यार। जब भी देखो पैंट शर्ट पैंट शर्ट पैंट शर्ट, एक भी साड़ी या सलवार देखने को नहीं मिली यार। दिमाग खराब हो गया यार। थक अपन उसे फोन करने वाला है। एक बार मत करना, तो खुद बात कर ले खुद। हेलो सुमो, मैं हूँ। फोन क्यों किया? तुमसे सॉरी कहने के लिए। सॉरी की जरूरत नहीं है। सुमो 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 फोन कट मत करना प्लीज सुमो। क्यों? अपन की हालत बहुत खराब है। तू तो पप्पी देकर चली गई लेकिन अपन का जीना हराम हो गया। रात को नींद नहीं, दिन में चैन नहीं, बड़ा परेशान है, पता नहीं क्या करूं। सुमो सुमो सुन रही है ना? लाइन में ही सुमो। अपन ने कहा तो चली जाएगी क्या? ऊपर से आई हेट यू कह गई। अरे बाजू में तेरा बाप था, अपन क्या कर सकता है, अपन बहुत शर्मिला है। अरे सुमो ये सब तुझे कैसे समझाऊं? हंस रही है। Idiot. तो अंग्रेजी में गाली देती है तो बहुत अच्छा लगता है। Stupid. गाली दे, खूब गाली दे। तू नहीं तो और कौन देगी? तू अपन की जाने मन है ना सुमो? तुम गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। I can't believe you. एक और बार बोलना। हमेशा बात बदलते
वो लास्ट पोर्शन बोलना। I can't hear you. अपन को नाम से बुलाना। राजू। आहा। इस तरह तू बुलाती रहेगी तो अपन तेरा पालतू कुत्ता बनके तेरे पांव के पास पड़ा रहेगा। अपन बाद में बात करेगा। क्या कर रहे हो राजू? क्या कर रहा हूँ? दारू पी रहा हूँ। फोन रखूं? ये सुमो है ना भाई? इसकी अदा, इसकी लेवल, इसकी स्टाइल सबसे अलग है। जब लॉरी में थे ना, उसने अपन को चूम लिया। यू मीन लिप टू लिप की? हाँ। तब से टॉम भाई, उसकी सांसों की गर्मी ने मेरे दिल को, गर्मी ने तेरे दिल को क्या किया? हिला के रख दिया है। हमारी कहानी क्यों सुन रहा है? फैमिली मैटर, लेडीज मैटर कह रहा था तो कान को बंद करना चाहिए ना। अपन जैसे भले आदमी ने सारे शहर में तुझे दौड़ाया और किडनैप करके तुझे बिरयानी भी खिलाई, तो कानों को बंद करना चाहिए। ये भी तुझे नहीं मालूम? हाथ दोनों बंद हैं, कान कैसे बंद करूंगा? ये तो चिल्ला रहा है। देख रहा हूं। अपन को हूल देता है। तुझे तो बहुत चर्बी चढ़ गई है गोवर्धन। तौबा 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 तौबा, कितनी चर्बी, कितनी चर्बी। यार गोवर्धन, तेरी चर्बी उतारने का तरीका है अपन के पास। किसी की गलती के लिए मुझे क्यों मार रहे हो? किसने की बोलो? जीके ने। क्या किया? सुमिता के बाप के साथ मिलकर उसने एक फैक्ट्री बनाई है और उस फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी पीकर गांव के बहुत सारे लोग मर चुके हैं। कैसी फैक्ट्री? मुझे क्या पता, मैं तो एक मामूली गुंडा हूँ, मुझे मरकर क्या पता चलेगा। सुमिता की जीजा बनवारी लाले ने, उसे जाकर पूछो तुम, तो पता चलेगा तुम्हें। अरे यार, इतना सब कुछ करने के बाद भी साला कुछ नहीं बोल रहा, सारा नशा उतर गया। सर फटा जा रहा है यार। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप। ये क्या कर रहा है? एक गिलास ठंडा पानी है तो लाओ। दीदी, उसी हाथ से एक पैग लेके आएगा तो मजा आ जाएगा। पैग के लिए दारू क्यों तुम भाई? के लिए। व्हाट इज दिस? ये क्या बात कर रहे हैं तुम लोग? ये कौन है? ओहो, बोतल यहाँ पे है। ये पैग नीचे रख। ये सब क्या है? इन गाड़ी लूटने के लिए आए हो? तुम किससे बात कर रहे हो पता है? किससे? भगवान से। ये भगवान नहीं, टैक्सी ड्राइवर है। तीन दिन पहले ही भगवान हुए हैं। तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि तीन दिन पहले लड़की जवान हो गई है। तुम की शक्ति से परिचित नहीं है। राह चलते एक आदमी का अगवा कर लिया, किसी ने चू तक नहीं किया। अगवा तो गुंडे ही करते हैं ना कि भगवान। अरे चुप कर यार, तुझे पता है इसलिए अपन को भगवान भगवान बोल रहा है? इसे क्या पता, ये तो मूर्ख है। यस यस, इसे अपन समझाएगा। ओके बनवारी भाई, देख एक सिंपल सी बात बताता हूँ, वो सुनते ही हट से तेरे ज्ञान का भंडार खुल जाएगा। फिर क्या तू भी अपन को भगवान मानेगा? अपन के लिए एक पैग बना। ओह श्योर। ये क्या है? हाथ। बाप रे, ये क्या है? हाथ है। बाप रे, वो मार रही है, जरा देख के बोलिए। समझ गया, आई अंडरस्टूड। हथौड़ा। अपन कौन है? भगवान हो। अपन ने कहा ना, जल्दी समझ जाएगा ये। उसने कहा तो मेरे पल्ले नहीं पड़ा, आपने कहा तो समझ में आ गया। इत्मीनान से नीचे बैठना। अरे बैठना। ठीक है। फिलहाल सारे कपड़े खोल के बात करेंगे। इसमें मेरी बीवी को इन्वॉल्व मत कीजिए। अरे तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। जी। तुम्हें सब खोलना होगा। अंदर बिल्कुल कुछ नहीं, एकदम फ्री। सुमो के डैडी और जीके मिलकर क्या धंधा करते हैं? क्या करते हैं सर? बड़े लोग हैं, बिजनेस करते हैं। उनके पिता दुर्गा प्रसाद जी भगवान हैं। बाप रे, वो बड़े बदमाश हैं सर। अपनी काली करतूतों को छुपाने के लिए ही मुझे नौकरी दिए हैं। जीके के बेटे से सुमो की मुलाकात कहाँ हुई? किसी फंक्शन में मुलाकात हुई थी। उसकी शादी नहीं होगी, बड़ा लोफर है, रोज एक लड़की चाहिए उसे। ये भी कोई कम नहीं है, राजस्थान में एक लौंडे के साथ पूरे तीन दिन घूम के आई है, पूरी बिरादरी में नाक कट गई। बाप रे, खुल के बोल रहा तो क्यों मारा साथ? वो अपन के साथ घूम रही थी। आओ। हाथ वहीं पर है, फिर भी मार पड़ रही है, ये कैसे मुमकिन? सवाल नहीं, जवाब दो। बस मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, मेरी बीवी जाने बिना सेकंड सेटअप मेंटेन करना चाहता हूँ। तू अपनी सारी ख्वाहिशों को जाके गटर में डाल। क्या जीके की पाली गांव में किस चीज की फैक्ट्री है? Just watch this. Am I just come here? Behind the plastic glass. Yeah. Don't worry. It's bulletproof. ये प्लास्टिक हमने तैयार किया है. Scratch proof है. And look at this. Fireproof. Check it out. Taste it. Lara, सभी secretaries को बुलाओ और ग्लास के पीछे खड़ा करो. I want to check the strength.
So sweet. Made out of sugar can. गन्नों से ये प्लास्टिक तैयार किए। जाओ इसे ले जाकर वहीं रख दो। Okay, okay, okay. Now it all makes sense. Durga Prasad is देश के number one sugar cane crop owner, right? You are wrong. Number two. लेकिन बेटी उसी की है। उसके लिए मैं उससे शादी करूं? वरकुरदार, उसके पास गन्ना है, मेरे पास फैक्ट्री और दोनों के मिलने से प्लास्टिक तैयार होती है। Come on, jump, jump. I like it. सुमिता शादी कर लो, और किसी को रखेल भी रख लो। फैक्ट्री कहाँ है बता? मैं नहीं जानता। वरना ये हथौड़ा उठ जाएगा। कुछ भी उठाइए, मेरा जवाब वही रहेगा सर। सुमो, सुमो, क्या हुआ? देखो राजू, मेरी डैडी मेरी शादी को भी बिजनेस बना दिया। अरे रो मत, मैं हूं ना, हाँ मैं जिंदा हूं ना, मैं हूं ना, चुप हो जा, बस कुछ नहीं होगा। तेरे गाल इतने मुलायम हैं, जैसे कश्मीरी सेब। भगवान सांत्वना दे रहे हैं। यू आर रॉन्ग, तसल्ली दे रहे हैं, हाथ फेर रहे हैं। अगर तू इसी तरह बंकस करता रहेगा तो ग्लास उठाकर सीधे सर पे मार देगा। आगे बंद कर। अरे अपन तेरे को नहीं बोला रे, चुप कर, चुप कर। दीवाना है तेरे दिल में, मेरा भी अब तो आना जाना है। अरे रे दिल मेरा खोया, अरे रे चैन मेरा खोया, मैं ना जागू ना सोऊं क्या करूं, अब मुझको होश नहीं। रूप तेरा मस्ताना है, इश्क मेरा दीवाना है, तेरे दिल में मेरा भी अब तो आना जाना है। मेरे दिल में तो समाए तुझे हर पल, अब मैं सोचूं पीछे पीछे दीवाना हो के भागे पागल दिल को कैसे रोकूं। पल पल तड़पाए बता भी नस नस पे छाई है बेचैनी। अरे रे चैन मेरा खोया, मैं ना जागू ना सो मस्ताना है, इश्क मेरा दीवाना है, तेरे दिल में मेरा भी अब तो आना जाना है। क्यों ब्रदर, डल क्यों हो?
वो फैक्ट्री कहाँ हम जान तो गए ना, पुलिस को खबर कर देंगे, बाकी का काम वो देख लेंगे। दाल में कुछ काला है, जीके का वहाँ फैक्ट्री खोलना और उस फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल पानी से लोगों का मरना कुछ ठीक नहीं है। दरअसल जीके लोगों को मारना चाहता है, इसीलिए मेडिकल कैंप को वहाँ से हटा दिया था। यानी उस नमूने ने झूठ बोला था? यू आर राइट, वो पूरी बात नहीं जानता। तो फिर बाकी की बातें कौन बताएगा? तेरी तो क्यों मैडम, मरने का इरादा है? सर आप चलिए, मैं हाफ एन आवर में पहुंचती हूँ। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? ब्रदर लगता है ये गोवर्धन हमें मरवाएगा। दरवाजा तोड़ने का प्लान कर रहे हो? गोवर्धन भाई हमें भी साथ ले जाओ। गोवर्धन भाई उस हरदोई के छत्रपति राजन ऑफिस के पास से मुझे उठवा लिया था। लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। तूने बोला नहीं इसलिए नहीं, वो मिला नहीं इसलिए। सिगरेट के साथ अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए, इट्स अ बैड हैबिट। ये राज कोई और जानता है क्या? आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? ये बता तू क्यों दौड़ रही थी? मैं खुद नहीं जानती। अपुन ने कुछ पूछा नहीं, तुझे पहले से ही पता था कि डॉक्टर की मौत होगी, इसीलिए उस दिन तू कार में नहीं आई। कोई भी उनके साथ रहेगा वो मरेगा। क्यों? लाखों करोड़ों लुट रहे हैं तो कोई चुप रहेगा क्या? प्लास्टिक फैक्ट्री की इतनी कीमत? प्लास्टिक फैक्ट्री इज अ स्मॉल थिंग, लेकिन मामला उससे बहुत बड़ा है। कितना बड़ा? मेरी जान से भी बड़ी है। पूरे गांव को मारने वाले हैं, तुम क्या चीज हो? मोर देन बिलियन डॉलर्स ऑफ मनी, 10 कॉर्पोरेट ऑफिसर्स, कई एमपीज, मंत्रियां और उनके साथ जीके, सबकी मिली जुली भगत ही है। इससे पहले कि जनता इस बात को जान जाए, एक राज्य से एक गांव को ही मिटा देंगे ये लोग। दरअसल इस मामले की शुरुआत राजस्थान के गिरदवाला गांव से शुरू हुई थी। जैसलमेर से वापस लौटते समय मैं और डॉक्टर परामजय वहां पे ठहरे थे, और वो रात जन्माष्टमी की रात थी, और वहां पे जो श्री कृष्ण की मूर्ति थी उसे देखकर डॉक्टर परामजय आकर्षित हो गए, और उस मूर्ति को टेस्ट करने के लिए गाँव के दिलावर सिंह ने हमारी मदद की। वो ना ही कॉपर की थी और ना ही ब्रॉन्ज की, स्क्रैप करने के बाद पता चला कि वो इरिडियम, सोने से भी कॉस्टली, प्लैटिनम से भी मजबूत, रेरेस्ट एंड टफेस्ट। कई लाखों साल पहले आसमान से गिरने के बाद एस्टेरॉयड से टकराकर बना है ये तत्व। अत्यधिक तापमान को सहने की शक्ति है इसमें, इसे सैटेलाइट्स में, न्यूक्लियर वारहेड्स में इस्तेमाल करते हैं। अगर ये तांबे से मिल गया तो आप इसके कई रूप देख सकते हैं। कभी ये मेटल राजस्थान में मिल गया होगा और उसी से उन्होंने किशन की मूर्ति बनाई थी। इट ट्रैवल्स ऑल द वे फ्रॉम मध्य प्रदेश, ओडिशा, घाटी एंड फाइनली नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश के पाली विलेज में सेटल हो गया। रिसर्च प्रोग्राम स्पॉन्सर करने में 2 करोड़ खर्च हो गए, लेकिन अरबों रुपए की इंफॉर्मेशन दी है तुमने, थैंक यू परांजय। ये बात बाहर ना निकले, इसे यहीं दफन कर दो। How can I do that, sir? It's the property of the government. It can change the face of economy. उन्हें खबर करनी होगी। उससे मुझे क्या मिलेगा? उसे खोदने का कॉन्ट्रैक्ट? मुझे पूरा इरिडियम चाहिए। It's illegal. लेकिन इसके लिए खर्चा किया है मैंने। इसलिए मैंने आपको कॉपी दी है। इरिटेट मत करो परांजय। तुम अगर जीना चाहते हो तो ये राज राज ही रहे। लेकिन परामजय ने जीके की बात नहीं मानी। इस रिसर्च में डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी को शामिल करना चाहते थे, इसलिए उन्हें और उनके साथ रहने वाले दिलावर सिंह को बेरहमी से मार डाला। और कौन है? राजू नाम का एक टैक्सी ड्राइवर। वो ये बात जानता है? डॉक्टर के मरने के बाद ही वो आया। जानता है या नहीं? शायद नहीं सर। आर यू श्योर? ये शायद शब्द मुझे बिल्कुल पसंद नहीं।
उसे भी मार दूं क्या? दो लोगों को गवर्नमेंट ऑफिसर मारा, वो भी दिन दहाड़े, लेकिन ये ड्राइवर टेंशन दे रहा है। एक काम करो, उसे यहां से कहीं दूर ले जाओ और मार डालो। कभी सोचा कि 2000 रुपए कमाने वाले दिलावर सिंह को इंश्योरेंस के 5 लाख रुपए कहाँ से मिले? तुम्हारे कैब ओनर्स को पैसे देके सारे पेपर्स तैयार करवा के उसे तुम्हें सौंपकर तुम्हें राजस्थान भेजा गया। उस गांव में जो गुंडे आए थे वो सुनीता को नहीं बल्कि तुम्हें मारने आए थे। इरिडियम का प्लास्टिक फैक्ट्री से क्या ताल्लुक है? इरिडियम पैक करने के लिए प्लास्टिक चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक। उसी के लिए ये फैक्ट्री बनाई, और स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक बनाने के लिए गन्ना चाहिए था, और उसके लिए दुर्गा प्रसाद की बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ होनी बहुत जरूरी है। उस गांव के नीचे से मैं इरेडियम शांति से निकालूं उसके लिए गांव खाली हो जाना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती हम गांव खाली कराएंगे तो सरकार और मीडिया दोनों को पता चल जाएगा। पाली गांव के लोगों को भगाने के लिए उनके मन में डर पैदा करना होगा। उस गाँव के लोग अंधविश्वासी हैं, उसका हमें फायदा उठाना चाहिए। वहाँ के पानी और हवा में खौफ पैदा करना होगा। मौत के डर से हर एक की रूह कांप जानी चाहिए। तब से उस फैक्ट्री के जहरीले गंदे पानी को नदी और तालाब में मिलाया गया। उस पानी को पीकर पाली गांव के लोग मरने लगे। पूरा गांव शमशान बन गया। ना ही कोई डॉक्टर आया और ना ही किसी को दवाई मिली। वो चाहते थे कि खुदाई शुरू होने से पहले पूरा गांव खाली हो जाए। तुम्हारे आने तक सब कुछ ठीक चल रहा था। जीके ने मुझे वादा किया था कि खुदाई खत्म होते ही मुझे 100 करोड़ देंगे। गन को हाथ में रखकर कहानी नहीं बतानी चाहिए, गोली मार देनी चाहिए, और घोड़ा दबाते ही गोली के साथ साथ जान भी जानी चाहिए। जीके वहां कुछ भी खोदे पर अपुन उसकी कब्र खोद के ही रहेगा। उस जीके से बोलना कि 6 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा ताबूत अपुन लेकर आ रहा है उसके लिए। अपुन से वो बचकर नहीं जा सकता। अगर वो मर्द है तो उसे पाले आने के लिए बोलो। वाई 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 वाई। तुम्हारे हाथ में गन थी, वो भी भरी हुई। शिकार सामने खड़ा था, फिर शूट क्यों नहीं किया? उसे देखकर मैं घबरा गई थी। तुम पर भरोसा करना मेरी बहुत बड़ी भूल थी। I'm sorry। सब लोग सुनो, 15 मिनट में पाली पहुंचना है। वहां बहुत से लोग मरने को तैयार हैं। उस गांव में एक भी इंसान बचना नहीं चाहिए। मैंने इस गांव में एक फैक्ट्री बनाई है और उसका गंदा पानी तालाब में छोड़ दिया। सोचा जहरीला पानी पीकर कहीं मर न जाए, इस डर से तुम इस गांव को छोड़कर चले जाओगे। लेकिन तुमने किसी को भगवान मान लिया और वो तुम्हारी रक्षा करने लगा। तुम्हारे उस भगवान ने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। वो है कौन? हमारा भगवान तुम्हें बचाएगा? हाँ, यहाँ पे गड़े हुए हर एक झंडे में यहाँ के हर एक मनुष्य के प्राण, इन 534 लोगों के प्राण बचाने के लिए अवश्य भगवान आएंगे। कितने झंडे हैं यहाँ? 544 सर। और लाशें कितने लोगों की हैं? 10 लोगों की सर। 544 - 10 534। भविष्यवाणी करते हो ना, तुम्हारा भविष्य क्या है अब बताओ। मुझे ये मिट्टी चाहिए, विश्वेश इसके नीचे दबी इरेडियम चाहिए, लेकर रहूंगा। क्या तुम्हारा भगवान रोक पाएगा? मृत्युंजय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय 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 जय नीलकंठाय। जिस मिट्टी के लिए तुम इतना संघर्ष कर रहे हो उसी मिट्टी में समा जाओगे। 15 मिनट में तुम स्वयं नरक के दर्शन करोगे। तुम्हारा ऐश्वर्य भस्म हो जाएगा। मृत्यु तुम्हारे समीप आ रही है, उसके पैरों की कंपन से तुम्हारा हृदय फट जाएगा।
तुम्हारे प्राण तुम्हारी गर्दन में अटके, छोटे बच्चे को देखकर भी भयभीत हो जाएगा। तेरी हथेली आकाश देखेगी, हमारे भगवान को सामने देखते ही तेरी आंखें चुंधिया जाएंगी, तू देख नहीं पाएगा। चला जा, जा। इसमें 12 गोलियों की मैगजीन है और मेरे 50 आदमी भी हैं, जो अकेला 10 आदमियों को मार सकता है, और यहाँ कुल 534 लोग हैं। एक छोटे से क्षेत्रफल में बसा हुआ ये गांव है। सबको मिटाने के लिए मुझे बस आधा घंटा ही लगेगा, और तुम बोल रहे हो 15 मिनट में मुझे नर्क दिखाओगे। वो बोलेगा तो होगा जीके। अब रह गए हैं 533। ये प्रकाशमय चक्षु, देख रहा हूं मैं स्वामी, गदगद हुआ मन गद। भगवान की आंखों में आंसू, तो गोली लगने पर खून भी निकलेगा।
तुम्हारे समीप आ रही है, उसके पैरों की कंपन से तुम्हारा हृदय फट जाएगा। अरे जा, यहां से मैं कुछ नहीं ले जा रहा हूं, मैं तो बिजनेस करता हूं। कर बिजनेस, कर कर ले बेटा, कर ले, लेकिन एक भी घर उजड़ेगा नहीं, किसी का भी खून नहीं बहेगा। कर सकता है ऐसा? बिजनेस करेगा तू, बिजनेस करेगा क्यों बे? यहाँ खोदने से क्या मिलेगा? इरेडियम। आए? इरेडियम, जिसकी तो स्पेलिंग भी नहीं जानता है, उसे रॉकेट और सैटेलाइट तैयार करते हैं, बेशुमार कीमती है। यहाँ के लोग इस बात से अनजान है, पागल है। जानते हो, सोने से भी 100 गुना कीमती है। इंसान की जान से कीमती है, तेरे कटे हुए हाथ से कीमती है। ठीक है, बिजनेस करते हैं। अपन वो पहाड़ देगा तेरे को, तू ये हाथ देगा अपन को। वो उस पहाड़ के बदले ये हाथ देगा अपन को। वो हाथ दे दे, वो हाथ दे दे। ठीक है, छोटे बच्चे को देखकर भी भयभीत हो जाएगा। उनके पट्टे डरा दिए। उनके कहने से तो खुद को भगवान मानता है। किसने बोला अपन भगवान है? तुझे टपकाने के लिए भगवान आएगा क्या? छत्रपति राजू, टैक्सी ड्राइवर, वही काफी है। तुझे मारने के लिए ना चक्र की जरूरत है और ना ही किसी हथियार की, ये हाथ ही काफी है तुझे ऊपर पहुंचाने के लिए। आजा साले। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बारा, तुम्हारे प्राण तुम्हारी गर्दन में अटके हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। हाथ हटा, अब मौत से डर लग रहा है ना? सिद्धा को मारते वक्त वो डर कहाँ था? उसे बेरे में ही से मारा ना तूने? वो अपन के पांव पड़कर अपन को भगवान भगवान बोल के यहाँ लाया। उसने आंखें मिलाकर अपन से बात तक नहीं की। मरने से पहले ही उसने अपन की आंखों में देखा था। अरे जब वो मर रहा था तो उसकी आंखों में हंसी थी, ना कि खौफ। और एक तू है साला गिड़गिड़ा, तू इतना बड़ा कमीना है अपन नहीं जानता था। अगर जानता तो उस दिन फूल और पानी के बदले अपन ये दुआ मांगता कि तू मर जाए। अगर अपन भगवान है तो तुझे मरना ही होगा, अपन ये श्राप देता है तुझे। हमारे भगवान को सामने देखते ही तेरी आंखें चुंधिया जाएंगी, तू देख नहीं पाएगा, तेरी हथेली आकाश देखेगी। सिद्धा को मारकर उसने सोचा कि 533 प्राण रह गए, ये उसकी मूर्खता थी। दिव्य कथन व्यर्थ नहीं जाता वीरा।
उस के जंगल से तुमने इस प्राण की रक्षा की, उस समय ये उसकी मां की कोख में था। ये 534वां प्राण है भगवान। चमत्कार घटते समय किसी को दिखाई नहीं देता और घटने के पश्चात देखने की आवश्यकता नहीं होती। तुम हमारे भगवान हो ये तुम मत मानो, परंतु हमारे लिए तुम भगवान हो। भगवान, ये तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है।